हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बेटा, इस वीडियो में हम एग्जाम आइडिया का सैंपल पेपर नंबर 5 सोल्व करेंगे। चलिए बेटा, शुरू करते हैं। देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन ए का। द फिगर शोज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इमर्जिंग फ्रॉम ए चार्ज बॉडी इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी आर ई ए एंड ई बी रेस्पेक्टिवली एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज आर। आपको क्या है कि एक डायग्राम गिवन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज का, या जिसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये डायग्राम गिवन है, चार लाइन्स गिवन है आपको। एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे ए, एक पॉइंट लिखा है बी। ठीक है, आपसे पूछा है कि चार ऑप्शन आपको गिवन है कि किस पॉइंट पे, ए पे या फिर बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा या फिर कम होगा, मतलब इन चारों में से कौन सा रिलेशन आपका ए और बी के लिए सूट करेगा। ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखो बेटा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ के बारे में पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यदि किसी गिवन एरिया से पास आउट होती है तो वहीं पे हम क्या बोलते हैं कि वहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही शो करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वहां पे ना। अब आप देख रहे हैं, देखो बेटा, पहला ए पॉइंट के ऊपर क्या है, यहाँ पे स्मॉल एरिया है लेकिन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज्यादा है। आप यहाँ देख रहे हैं, देखो यहाँ एरिया ज्यादा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, कम है। इट मीन्स क्या है कि बी का एरिया ज्यादा होने की वजह से और ए का एरिया कम होने की वजह से क्या है, ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको बताना है कि ये चार चीजें यहाँ लिखी हुई है, इनमें से चारों में से कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है। देखो बेटा, सीधा आप क्वेश्चन सीधा इस पे आंसर पे आता हूँ मैं। देखो ये सी पार्ट पढ़ो यहाँ पे ढंग से ना। फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर। ये बेटा गलत बात है, क्योंकि भाई कंसेंट्रिक स्फीयर किसके लिए होता है, या तो आपका पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा बेटा, या फिर आपके नेगेटिव चार्ज के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि आपकी पैरेलल लाइंस जो है शो करती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे परपेंडिकुलर होता है कि पोटेंशियल सर्फेस ना। ठीक है, तो ऐसी सर्फेस बनते हैं इसके लिए, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक सेकेंड होल्ड करो, यहाँ लिखा है बेटा, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। आपके पास मटेरियल सेम है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी बेटा सेम हो गई। ठीक है, डेंसिटी आपके पास क्या है, सेम है गिवन ना। कनेक्टेड इन पैरेलल, आपके पास मान लो दो रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ बना देता हूँ। एक रेजिस्टेंस बेटा ये है, एक रेजिस्टेंस बच्चे हमारे पास ये है। ठीक है, दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, दोनों आपने पैरेलल में जोड़ दिए। ये आपके पास बैटरी है, मान लेते हैं वी वोल्ट की बैटरी। एक का रेजिस्टेंस बेटा आर वन है, एक का रेजिस्टेंस क्या है, आर टू है। ठीक है, इफ द लेंथ एंड रेडियस ऑफ द वायर आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। आपके पास क्या बोल रहा है कि जो लेंथ और L1 और L2 का जो रेशियो है वो कितना है बेटा, 3:2 है, और इनकी रेडियस का रेशियो भी आपको गिवन है, R1:R2 कितना है, 2:3, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, करंट पासिंग थ्रू द वायर विल बी, आपको आई के वैल्यू बतानी है कि I1 और I2 का रेशियो क्या होगा। देखो बेटा, I1 I2 पे जाने से पहले आपको पहली बात तो ये पता है बेटा दोनों कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे, इसका मतलब दोनों के अंदर जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो पहले हम क्या करते हैं, करंट निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो बेटा, जो आर होता है वो क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। यदि मैं दोनों का रेशियो निकालू, आर वन और आर टू यहीं पे कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, रो एल वन अपॉन ए वन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा रो इंटू एल टू अपॉन में ए टू हो जाएगा। रो तो आपने कैंसिल आउट कर दिया, तो बचा एल वन और एल टू, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एल वन बाई एल टू इंटू ए टू घूम के ऊपर चला जाएगा, तो बेटा ये हो गया ए टू बाई ए वन। ठीक है, यहाँ पे आप जो है एल वन बाई एल टू इंटू ए टू बाई ए वन को क्या लिख सकते हैं, ए टू क्या बेटा पाई इंटू जो एरिया होगा वायर का वो क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, ये आर टू हो गया, ये आपका आर वन का स्क्वायर, ये पाई से पाई भी कट जाएगा। ठीक है बेटा, अगली बात पे आ जाओ। तो अब आप इसे यहाँ सारी वैल्यू पुट अप कर दो इसकी, जो आपका रेडियस का रेजिस्टेंस का रेशियो आया वो आ गया एल वन बाई एल टू का रेशियो बेटा 3:2 है, हमें पता है, इंटू रेडियस का रेशियो है बेटा आर वन बाई आर टू है, लेकिन यहाँ पे है आर टू बाई आर वन, दिस विल बी 3:2, ये भी हो गया आपका स्क्वायर ना, तो 3 3 9, 3 27, तो बेटा ये हो गया 27/8। तो आपको रेजिस्टेंस का रेशियो मिल गया यहाँ से, अब सीधा आपको करंट का रेशियो निकाल दो। और आपको पता है करंट क्या होता है, वी इजकल टू आई आर होता है, और आई इजकल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर, तो यहाँ लिख देंगे वी अपॉन आर वन, नीचे भी बेटा वी अपॉन आर टू हो जाएगा, क्योंकि देखो वोल्टेज सेम है पैरेलल में है ना, इसलिए मैंने ये फॉर्म वी जो है कट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या हो गया बच्चे आर टू अपॉन में आर वन आ गया, तो ये आ गया मेरे पास 8/27। ये बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8:27, सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चौथे क्वेश्चन पे आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है, ए प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपका जो है आपके पास एक प्रोटोन है, एक आपके पास अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। उनका जो स्पीड का रेशियो है वो हमें पता है, वी वन वी पी या और वी अल्फा हमें गिवन है, 9:4 है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर ऑर्बिट। आपको जो है आर और आर पी और आर अल्फा का रेशियो पूछ रहा है। तो बेटा आपको पता है आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर होता है हमारे पास, आपने पढ़ा होगा, यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो वो सर्कुलर पाथ लेता है, और उसकी रेडियस आती है मतलब वो आती है एम वी अपॉन में क्यू बी। अब आप देख लो, आपको चार्ज तो पता ही है अल्फा कितना होता है, 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन का, और जो मास होता है अल्फा का वो बेटा 4 टाइम्स होता है किसका, प्रोटॉन का, ठीक है। आप फटाफट से आर पी और आर बी निकाल लो। देखो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, बी तो हट जाएगा यहाँ से, जो जो ये सेम है वो हटा दो, बी सेम है और वी का रेशियो आपको पता है, तो सीधा आप आर पी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। यदि मैं लिख दू आर पी वो क्या हो जाएगा बेटा, एम पी वी पी डिवाइड बाई आ गया क्यू पी। सिमिलरली आर एल्फा ये हो जाएगा बेटा एम एल्फा वी एल्फा डिवाइड बाई क्यू एल्फा, दोनों को डिवाइड मार दो बेटा, आर पी बाई आर एल्फा ये आ जाएगा क्यू बोन के ऊपर चला जाएगा, क्यू एल्फा बाई क्यू पी इंटू एम पी बाई एम एल्फा इंटू बेटा वी पी बाई वी एल्फा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। वैल्यू फटाफट से पुट अप कर दो, देखो क्यू एल्फा बाई क्यू पी क्या हो जाएगा, क्यू एल्फा होता है बेटा 2 टाइम्स, ये 2 क्यू बाई क्यू हो गया, मास पी एम पी मास ऑफ प्रोटोन एम आ गया, नीचे आ गया 4 टाइम्स इंटू वी पी बाई वी एल्फा आपको गिवन है बेटा 9/4। तो ये कट गया, ये कट गया, ये देखो 2 से ये 4 कटेगा, 2 आया तो रेशियो आ गया 9:8, ठीक है बेटा। तो आंसर देख लो, चेक कर लो, 9:8, तो 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा ये थोड़ा सैंपल पेपर, अच्छा सैंपल पेपर है ये, अच्छे से ट्राई करना इसमें हर क्वेश्चन को, ठीक है। लिखा है टू पार्टिकल ऑफ मास एम ए एंड एम बी रेस्पेक्टिवली एंड हैविंग द सेम चार्ज। देखो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे चार्ज सेम है, दो पार्टिकल जो है हमारी दोनों का चार्ज सेम है, एक मूविंग प्लेन प्लेन में मूव कर रहे हैं, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है बेटा, परपेंडिकुलर है, द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज वी एंड वी बी गिवन है, ट्रेजेक्ट्री हमें गिवन है। देखो आपको साफ दिख रहा है कि जो बी वाला पार्टिकल है उसकी रेडियस कम है, आर बी जो है वो कम है एज कम्पेयर टू आर ए के, लेकिन ए की रेडियस ज्यादा है। आपको बताना है कि किसका मोमेंटम, देखो मोमेंटम है ना एम इंटू वी है ना, तो आप जानते हैं ऑलरेडी कि भाई जो रेडियस होती है बेटा वो क्या होती है, अभी मैंने पीछे बताया था एम वी अपॉन में क्यू भी होती है। तो अब आपको साफ दिख रहा है कि जो रेडियस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एम इन टू वी मोमेंटम है ना, और आर किसकी ज्यादा है, ए की ज्यादा है, इसका मतलब आर ए की रेडियस ज्यादा है आर बी से। इट मीन्स क्या है कि मास इंटू वेलोसिटी वाला जो प्रोडक्ट है वो ए का ज्यादा होगा मास ऑफ वेलोसिटी के प्रोडक्ट बी से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा बी आंसर हो जाएगा बेटा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम इफ इट्स इनिशियल पोजीशन इन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक्चुअली क्या है कि पैरेलल रखा गया है तो इट मींस फील्ड की वैल्यू जीरो है, ये आपको गिवन है, इन दिस पोजीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट रेस्पेक्टिवली आर। तो आपको बताना है थीटा जीरो पे है, इसका मतलब बेटा फोर्स तो जीरो हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, एफ नेट हमारा कितना हो गया जीरो। आप सीधा टॉर्क निकाल लो, टॉर्क क्या हो जाएगा एम क्रॉस बी होता है, या हम लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा या फिर बी ना साइन थीटा होता है, ठीक है। ये हो गया एम बी साइन थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी जीरो है, इसका मतलब साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो एंड जीरो, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन पे आओ, लिखा है ए 20 वोल्ट ए सी इज सप्लाइड अप्लाइड टू ए सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड ए कॉइल विद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। देखो आपके पास एक रेजिस्टेंस है और आपके पास एक कॉइल है, मान लो ये 16 वोल्ट हो गया, एल हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक एसी वोल्ट सप्लाई कर रखा है आपके पास, एसी की सप्लाई है कितने की है 20 वोल्ट की सप्लाई है एसी वाली। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 12 वोल्ट, आपके पास जो वी आर है वो गिवन हुआ था 12 वोल्ट। आपसे पूछा है वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल, वी एल की वैल्यू पूछी है। देखो बेटा यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए जो आपका नेट रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू होता है बेटा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सर्किट के अंदर क्या है, कैपेसिटर नहीं है, तो इसलिए आपका काम करेंगे कैपेसिटेंस वाला पार्ट हटा देंगे, तो बेटा आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी आर का स्क्वायर प्लस
वी एल का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये वी है यहाँ पे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो बेटा ये आ गया वी स्क्वायर इजकल टू आ गया वी आर स्क्वायर प्लस का वी एल स्क्वायर। वी वी की वैल्यू हमें पता ही है ऑलरेडी कितनी है, 20 वोल्ट का लगा रखा आपने, तो 20 का स्क्वायर इजकल टू वी आर हमारे पास कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस का वी एल, कॉइल के अक्रॉस आपका वोल्टेज इजीली निकल जाएगा, तो 400 माइनस का हो गया 12 बार 144, ये बेटा जो वैल्यू बचेगी कितनी बचेगा 256, उसका रूट कर देंगे आप तो वी एल आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा आई थिंक 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा 16 इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला ऑप्शन इसका राइट रहेगा, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ, अ वेल्डर वियर स्पेशल ग्लासेस, आपने देखा हो जो वेल्डिंग करते हैं वो क्या करते हैं चश्मा पहनते हैं ब्लैक कलर का ना, वो क्यों पहनते हैं ये बता रहा है, टू प्रोटेक्ट हिज आईज मोस्टली फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ किससे, अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए, ठीक है बेटा। ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है डायरेक्ट। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या बोल रहे हैं, एन एरिया, आपको एरिया की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 0.5 मीटर स्क्वायर शोन इन द फिगर इज सिचुएटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। देखो बेटा बी भी आपको पता है, एरिया पता है आपको, इट्स नॉर्मल जो ये आपका जो ये दिखा रखा है आपका डायग्राम में, ये इसका नॉर्मल जो है कितना बना रहा है एंगल 60 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ ना, इसका मतलब आपका थीटा भी कितना है 60 ही रहेगा, 19 में से 60 माइनस नहीं करेंगे ध्यान रखना, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका नॉर्मल बना रहा है, ठीक है बेटा। एरिया वैक्टर ऑलरेडी बना रहा है एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ना, आपको फ्लक्स निकालना है, तो बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता ही है सीधा सीधा क्या होता है, बी डॉट ए होता है, मतलब ये कैन सी बी ए कोस थीटा, ये बन जाएगा बच्चे बी ए कोस 60 डायरेक्ट, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है 4 है, ए हमारे पास 0.5 है, तो बेटा कोस 60 की वैल्यू है, पुट अप कर दो, कोस 60 मतलब साइन 30, तो 4 5 20, तो ये 2 आ गया, और साइन 30 कितना होता है बेटा 1/2, ये भी कैंसिल आउट है, इसका मतलब 1 वेबर, ठीक है, तो 1 वेबर इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 10, इन यंग मैं कोशिश करूंगा बेटा फटाफट से ही सैंपल पेपर को निपटाऊं ना, जितनी ज्यादा से ज्यादा जल्दी हो सकती है, ठीक है बेटा। देखो इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सोर्स ऑफ इज व्हाइट लाइट, ओके, वन ऑफ द होल इज कवर्ड विद ए रेड फिल्टर एंड अनदर बाय ए ब्लू फिल्टर ना, इन दिस केस आपको बताना, देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, जो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें सोर्स तो व्हाइट लाइट लिया इन लोगों ने, लेकिन जो पहली स्लिट थी ना आपकी S1, ये जैसे यहाँ पे होता है ये S1 स्लिट थी, ये बेटा S2 स्लिट थी, ये आपकी स्क्रीन है जहाँ पे हमें फ्रिंजेस मिलती थी, ठीक है, इंटेंसिटी का जो बैंड मिलता था हमें ना, जिसे हम फ्रिंज बोलते थे, ठीक है बेटा। तो ये क्या आपको याद होगा ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज मिलती थी हमारे पास ना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पहला जो होल है ना, ये इसे इसने रेड से फिल्टर कर दिया और इसे क्या कर दिया बेटा, इसके ऊपर लगा दिया आपने ब्लू फिल्टर ना, तो ये बोल रहा है कि अब क्या हमें इंटरफेरेंस फ्रिंज क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना है बेसिकली ना। देखो बेटा आपको बताया इंटरफेरेंस के लिए क्या चाहिए, आपको बेसिकली आपका जो सोर्स है वो कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए ना, और कोहेरेंट सोर्स क्यों होना चाहिए, क्योंकि बेटा वहां से ना क्या होता है सेम फ्रिक्वेंसी और सेम वेवलेंथ की लाइट निकलती है ना, लेकिन आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो पहले आपको पहले होल के ऊपर आपने क्या कर दिया, रेड रेड लगा दिया, यहाँ से बेटा लगा दिया इसके ऊपर ब्लू, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों की जो यहाँ से सोर्स बन के निकलेगा अकॉर्डिंग टू हाइजेंस के, ये जो है अलग सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये अलग सोर्स की तरह, तो दोनों सोर्स की फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ डिफरेंट हो जाएगी, तो बेटा हमें यहाँ पे तो जो स्क्रीन के ऊपर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका, सी बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देयर विल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, फ्रॉम फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द एनोड पोटेंशियल, आपके पास देखो पोटेंशियल वर्सेज बेटा करंट का डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, आपके पास दो बीम ऑफ लाइट आ रही है सेम वेवलेंथ की लाइट है बट डिफरेंट इंटेंसिटी है, ठीक है, फाइंड द करेक्ट रिलेशन। देखो ये तो आपने आपको ग्राफ याद ही हो गया, देखो एक अलग अलग इंटेंसिटी पे सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, और आप क्या करते हैं इसमें जो है इंटेंसिटी ज्यादा होती है ऊपर वाले की, जितने आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं उसी रेशियो में आपको पता है करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो करंट दूसरे वाले के लिए ज्यादा है इंटेंसिटी, इसका मतलब I2 ज्यादा होगा I1 से, तो बेटा इसका आंसर क्या रहेगा, I2 ज्यादा होगा I1 से, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बेटा एज एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन लाइक एटम, जब एक कोई हाइड्रोजन जो है आपका एक ट्रांजिशन कर रहा है कहाँ से, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है, तो बोल रहा है कि इन एनर्जीज पे क्या फर्क पड़ेगा ये आपको बताना है। देखो बेटा आपको पता होगा जो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी वो होती है माइनस का 13.6 / n², ठीक है,
ये आपकी होती है। ये क्या ऑब्जर्व करते हैं आप यहाँ से, यदि आपका एन बढ़ता है, आपने यदि एन घटा दिया है, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं ना क्या बता रहा हूँ? ठीक है, ये इक्वेशन देखे क्या पता लग रहा है कि आपकी एन डिक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जो पोटेंशियल, सॉरी ये तो बेटा पॉजिटिव होता है यहाँ पे ना। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो एन घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, दूसरी बात, यदि हम टोटल एनर्जी की बात करें या पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल क्या होती है, माइनस ऑफ टू टाइम्स होती है काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टू कर देंगे इसे आप, ये बन जाएगा बच्चे माइनस का 27.2 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। यहाँ से आप देखो माइनस साइन आ गया, तो ये क्या शो कर रहा है, यदि बेटा आपका एन घटेगा, क्योंकि एन घट रहा है ना, देखो एक्साइटेड से आप कहाँ आ रहे हैं, ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हैं ना। ठीक है, तो एन की वैल्यू घटेगी तो आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी बेटा डिक्रीज होगी, ये भी घट रही है। यदि हम टोटल की बात करें, टोटल में क्या करेंगे, आप काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों को जोड़ेंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपकी एनर्जी आएगी वो क्या आएगी बेटा, माइनस का 13.6 बाई एन स्क्वायर आ गया। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला रिएशन भी सोम ऊपर वाले की तरह शो कर रहा है, यदि बेटा एन डिक्रीज होगा तो इसमें बेटा टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। तो आप देख लो फटाफट से कौन सा आंसर है। देखो पहला ऑप्शन लिखा है इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, जैसे बढ़ रही है, बट पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी डिक्रीज, ये दोनों सही है, इसका मतलब पहला भी ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या बोल रहा है बच्चे, टू स्फेरिकल न्यूक्लाई है मास नंबर 216 एंड 64 विद देयर रेडियस R1 एंड R2, देन द रेशियो विल बी, R1 और R2 का रेशियो आपको बताना है। देखो बेटा आपने एक रिलेशन पढ़ रखा होगा, R इज इक्वल टू R0 ए टू द पावर 1/3, यहाँ पे ए होता है बेटा मास नंबर आपका और आर आपकी क्या है, ये रेडियस होती है। ठीक है बेटा, आपको क्या बताना है, आपसे जो मास नंबर का रेशियो गिवन है, तो सीधा आप R1/R2 निकाल दो यहीं से, R1/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R0 ए टू द, ये A1/A2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा 1/3, ये R0 के नीचे से कट जाएगा तो पूरा। तो बेटा ये A1 और A2 का रेशियो आपको गिवन है 216 डिवाइड बाई 64 का, क्या बन जाएगा 1/3 बन जाएगा। 216 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, 64 का बेटा 4, तो ये कैंसिल आउट कर दो आप इसे, तो ये हो गया 3/2, मतलब कि 3:2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब बेटा पहला ऑप्शन जो है क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या बोल रहा है बच्चे, द वेरिएशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, आपको वोल्टेज और करंट का ग्राफ भी बने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। देखो बेटा आपको साफ दिख रहा है कि जो करंट है आपका, ये करंट वाला डायग्राम है और ये वोल्टेज का डायग्राम है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि वोल्टेज देखो पाई बाई टू आगे है ना, करंट जब यदि हम t इक्वल टू जीरो पे बात करें तो वोल्टेज जीरो पे है लेकिन करंट क्या है, माइनस में है ना, इसका मतलब क्या है कि करंट जो है पीछे है, वोल्टेज लीड कर रहा है ना। तो आप आंसर देख लो कौन सा रहेगा, वोल्टेज लीड द करंट बाय पाई बाय टू। ठीक है बेटा, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या बोल रहा है बेटा, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी एज शोन इन द फिगर, आपके पास देखो ये कैपेसिटर है अपनी बैटरी से जोड़ रखा है। ठीक है, ये की है आपकी ना, कंसिडर द टू सिचुएशंस ना, फर्स्ट सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन पे बात करते हैं। देखो क्या लिखा है कि इज केप्ट क्लोज एंड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आर मूव अपार्ट यूजिंग इंसुलेटिंग हैंडल ना, अब क्या काम करा इसने, की को क्लोज कर दिया। देखो बेटा जैसे आप की क्लोज करेंगे तो क्या होगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा कैपेसिटर ना, कैपेसिटेंस जो है मैक्सिमम वी वोल्ट तक चार्ज होगा, इसका कैपेसिटेंस सी है ना, सी कितना होता है इसके एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। अब क्या काम करा इसने, प्लेट को अलग अलग कर दिया, प्लेट को अलग करने का मतलब होता है बेटा प्लेट इसने दूर कर दी, तो इसने डी बढ़ा दिया ना, डी बढ़ाते क्या होगा बेटा, सी की वैल्यू घट जाएगी, अब कैपेसिटेंस तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगली बात पे आओ, लेकिन आपको पता है कि जो चार्ज है वो तो बेटा सेम रहेगा इसमें ना, क्योंकि नहीं सॉरी चार्ज नहीं, आपने बैटरी लगा रखी है तो बेटा V तो आपका सेम रहेगा, V सेम रहने से बेटा क्या हो जाएगा, ये चार्ज की बात करेंगे, Q इक्वल टू क्या होता है CV होता है, V तो सेम है, C घट रहा है, इसका मतलब चार्ज भी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स क्या है कि पहला ऑप्शन देखो इसमें, यदि हम फर्स्ट वाले केस की बात करें तो Q रिमेन्स सेम बट C चेंजेस, ये तो गलत बात है। इसमें थर्ड ऑप्शन देखो C वाला, V रिमेन्स सेम, V तो सही है एंड हैंस चार्ज C चेंजेस ना, चार्ज चेंज हो रहा है, ये बात भी सही है। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये तो सही ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, अब तक ना पहले वाले केस के हिसाब से ना, यदि हम दूसरे केस के हिसाब से देखें
केक की एज ओपन, यदि आपने केक को क्या रखा, क्लोजिंग ने करा ओपन रखा बेटा इसमें ना, यदि केक ओपन रखी और क्या करा आपने जो है फिर दोबारा से कैपेसिटी के जो प्लेट्स हैं उन्हें आपने दूर दूर कर दिया ना। जैसे ही आप दूर करेंगे तो क्या होगा, फिर से सी घटेगा, क्योंकि बेटा सी तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है पैरेलल प्लेट का ना, तो आप देख रहे हैं सी तो यूनिवर्सली है डी पे ना, यदि आपने डी दूर कर दिया है, डी बढ़ा दिया है तो बेटा सी तो घट ही जाएगा। सी घटते क्या होगा, लेकिन यहाँ पे देखा आपको पता है कि बैंटी तो लगी नहीं है क्योंकि भाई क्लोज ही नहीं है, और जब पोटेंशियल है यहाँ पे पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल होता है क्यू अपॉन सी, जो जितना चार्ज था इसके अंदर चार्ज तो सेम रहेगा, चार्ज तो सप्लाई नहीं होगा, बैटरी लगी नहीं हुई है, ठीक है, तो जितना सी घटा है तो बेटा वी क्या हो जाएगा, वी आपका बढ़ जाएगा इस बार, तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, वी बढ़ना चाहिए सी घटना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ देखो ये गलत है। सेकंड केस के लिए जो है वी रिमेन्स सेम, ये तो गलती है, और क्यू एंड वी ये भी गलत है बेटा, ठीक है ना, तो इसका मतलब सी ही इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अब आगे बेटा एस एस एन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ लिखा पहला क्वेश्चन है 16 नंबर, द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हायर देन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एट ए गिवन टेम्परेचर एंड वोल्टेज अप्लाइड। ये बेटा बात सही है, क्योंकि आपको पता है बेटा एन टाइप में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाईली, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मोबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एज कम्पेयर टू होल्स के ना, इसलिए ये बात तो सही लिखी हुई है। रीजन में क्या लिखा, द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द होल्स, ये बात भी सही है बेटा, इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा बच्चे, ये इसका आंसर हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्या बोल रहा है, कलर्ड स्पेक्ट्रम इज सीन व्हेन वी लुक थ्रू ए मसलिन क्लॉथ ना, ये बोल रहा है कि जब आप जो है मसलिन क्लॉथ के अंदर से देखते हैं ना लाइट मार के, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपको है कलर्ड स्पेक्ट्रम दिख रहा है, क्यों दिखता है, क्योंकि भाई जो कलर्ड स्पेक्ट्रम है जो मसलिन क्लॉथ से बेसिकली क्या होता है उसके अंदर ना छोटे छोटे फाइन स्लिट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे डिफ्रेक्शन पैटर्न नजर आता है, ठीक है, तो ये बात तो सही लिखी है बेटा, ठीक है, इसका रीजन पढ़ लेते हैं, कलर स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू डिफ्रेक्शन ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू फाइन स्लिट्स मेड बाय द फाइन थ्रेड इन द मसलिन क्लॉथ, ये बात भी एग्जैक्टली करेक्ट रीजन है इसका ना, तो बेटा ए इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स अनचेंज, ये बात भी सही है बेटा, क्योंकि आपको बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इंटेंसिटी के होता है, लेकिन ये जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेटा ध्यान रखना केवल दो तीन चीजें डिपेंड करती है, एक तो आपका वर्क फंक्शन, एक आपका काइनेटिक एनर्जी, और एक आपका बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल, बस यदि कहीं पर भी ये चीजें आती है, हाँ ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होती है लेकिन बेटा इनडिपेंडेंट रहता है क्या, करंट ना, तो ये बात तो बेटा सही लिखी हुई है, ठीक है। रीजन क्या लिखा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इनडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, ये बात भी सही है, इसका मतलब बेटा इसका भी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर ए ही रहेगा, तो तीनों का क्या रहेगा आंसर ए रहेगा, ठीक है बच्चे। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अब आगे बेटा फ्रैक्शन नंबर बी, ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ डज ऑक्सीलेटरी चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि जो ऑक्सीलेटरी चार्ज है वो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस का आंसर मैं डायरेक्ट मुंह से बोल के बताऊंगा, ऐसे लिखूंगा नहीं यहाँ पे ना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है लिखने में ना, तो कोशिश करते हैं आप केवल समझते रहना। देखो बेटा आपको पता ही लिखा है ऑक्सीलेटरी चार्ज जो है कैसे क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो ऑक्सीलेटिंग चार्ज है बेटा वो क्या करता है, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और आपने मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ी होगी, मैक्सवेल ने क्या बताया था कि बेटा जो ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या काम करता है, ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ऑक्सीलेटिंग का मतलब होता है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना ठीक है, कि एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम पे डिपेंडेंट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या काम करा, मैग्नेटिक फील्ड बनाया, और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल की थ्योरी ये वाइस वर्सा होता है, मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो बेटा ड्यू टू दीज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वी गेट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप क्या लिखेंगे कि ऑक्सीलेटिंग चार्ज जो है इट प्रोड्यूस ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ऑक्सीलेटिंग या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स मैग्नेटिक फील्ड, देन ड्यू टू बोथ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वी गेट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके बेटा सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, स्केच ए स्कीमेटिक डायग्राम डिपिक्टिंग ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस ना, आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिपिक्ट करना है उसमें, और आपकी जो वेव है वो कहाँ प्रोपगेट कर रही है, पॉजिटिव जेड की तरफ ना। तो बेटा देखो मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही बता रखा है, आप इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो है जिस तरफ भी आपकी डायरेक्शन लिखी हुई है ना, जैसे यहाँ लिखा है पॉजिटिव जेड में ना, तो आप इस तरफ आपका ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा देंगे यहाँ पे लिख के ना, ठीक है, फिर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाएंगे। मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, ये यहाँ पे पीक हो गया। फिर देखो डायरेक्शन सेम है, यहाँ डायरेक्शन चेंज होनी शुरू हो गई नीचे की तरफ, ठीक है बेटा। ये फिर ऊपर पॉजिटिव वाई में लिया है मैंने ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई एक्सिस में है, और आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेटा परपेंडिकुलर होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ना। तो मैग्नेटिक फील्ड को ये जेड एक्सिस है बेटा, ये इसे मैंने वाई मान लिया, इसे मान लो आप एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आपका। तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर कर दो, क्योंकि जेड एक्सिस की तरफ है ना, इधर है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है आपका। तो बेटा ये कैसे बन जाएगा, ये ऐसे ऐसे बन जाएगा आपके ना, इस तरीके से आपकी वेव्स बन जाएगी, ठीक है बच्चे। ये आपकी बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायग्राम, तो आप ऐसे ही शो करके दिखाएंगे, ठीक है बच्चा। अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डाई मैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। देखो बेटा एक्चुअली क्या होता है, डाई मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और वो सब क्या होते हैं, वो जो है अपोजिट स्पिन के पेयर में बंधे होते हैं। किसके अंदर, ध्यान रखना, डाई मैग्नेटिक के अंदर क्या होता है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और वो आपस में क्या होते हैं, अपोजिट स्पिन में बंधे होते हैं, ठीक है बेटा। पेयरिंग होती है मतलब उनमें ना। लेकिन पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें जो है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो क्या होते हैं वो सेम स्पिन में बंधे होते हैं आपके ना, वो स्पिनिंग जो करते हैं वो क्या रहेगी, उनकी सेम डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक डिफरेंस है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का ना। आगे लिखा है व्हाई आर द एलिमेंट विद इवन एटॉमिक नंबर। देखो बेटा इवन की बात आ गई ना, क्योंकि इवन एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि वो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी इवन ही रहेंगे। यदि वो इवन रहेंगे इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक मटेरियल रहेगा, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 ये लिखा है बेटा, टू न्यूक्लाई हैव मास नंबर इन रेशियो 1:8, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियस। देखो बेटा ये सेम क्वेश्चन एमसीक्यूज में आया था ऊपर ना, जो हमने सोल्व किया था, कैसे कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 होता है। यहाँ से आप सिंपलीफाई कर लो इसे, आर वन बाई आर टू क्या हो जाएगा, ए वन बाई ए टू की पावर 1/3 बन जाएगा। और यहाँ बेटा ए वन बाई ए टू हमें गिवन है 1:8, तो 1:8 की पावर 1/3, दिस विल बी 1/2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1:2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका और में क्या लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस 5.1 × 10⁻¹⁻ गिवन है हमें ना, मतलब जो आपकी N1 है उसके लिए हमें रेडियस की वैल्यू पता है ऑलरेडी, ठीक है बेटा। ये आपका इनर N1 की वैल्यू क्या है, 1 है ना, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। देखो बेटा सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, सेकंड एक्साइटेड का मतलब होता है कि जो आपकी एन की वैल्यू है वो 3 है, कितनी है, एन की वैल्यू आपकी 3 है। यदि होता थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब बेटा एन की वैल्यू क्या हो जाती, 4 हो जाती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यहाँ से आप सीधा आर की वैल्यू का फॉर्मूला लगा दो। आपको बताइए कि जो आर एन होता है वो बेसिकली क्या होता है, एन पे जो है स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R3/R1 का रेशियो निकाल दो, ये बन जाएगा बच्चे N3, जो भी आपके N की वैल्यू है क्या है, 3 है, 3/1 का स्क्वायर बन जाएगा सीधा, तो 9 टाइम्स आ जाएगा। यदि मैं निकालू यहाँ से तो जो R3 आ जाएगा वो आ जाएगा 9 × R1, और R1 की वैल्यू आपको पता ही है ऑलरेडी कितना है, यहाँ आपको गिवन है 5.1 × 10⁻¹⁻ N·11 m। तो बच्चे इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया 9 × 9 = 45, 45.9 × 10⁻¹⁻ N·11 m, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 ये क्या बोल रहा है बेटा, ए लेंस इज प्लेस इन द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विच कन्वर्ज टू द पॉइंट ओ इन द एब्सेंस ऑफ द लेंस, ठीक है। ये ओ पॉइंट पे मीट कर रही है, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पॉइंट इज 15 cm। लेंस से और पॉइंट के बीच में जो सेपरेशन है आपकी वो कितनी है, 15 cm आपको गिवन है, ठीक है। इसका मतलब आपके पास u गिवन है, देखो लेंस से इधर रखा है तो पॉजिटिव में रहेगा, तो बेटा 15 cm आपका u हो गया इस वाले केस में। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ विल बी द बीम कन्वर्ज, इसका मतलब आपको v निकालना है कि v फाइनल इमेज कहाँ बनेगी यदि आपकी फोकल लेंथ हमें गिवन हो तो। और बेटा आपको पता है कि फोकल लेंथ ऐसी कितनी है, 25 cm आपको फोकल लेंथ गिवन है, ठीक है। ये चीजें हमें डाटा गिवन है, अब हमें निकालना क्या है, देखो बेटा ध्यान रखना कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, माइनस में होती है, तो ये तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। आप सीधा वी का फॉर्मूला निकालना है तो सीधा लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1/f = क्या हो जाएगा, 1/v − 1/u। आप यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो, यदि मैं सीधा एफ हमें क्या चाहिए, वी चाहिए ना हमें, आप सीधा यहाँ से वी कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये बन जाएगा UF/u+F, ये हो गया हमारे पास। अब सीधी वैल्यू पुट अप करो बेटा, यू कितना है, 15 है, और वी तो हमारा माइनस का 25 है, डिवाइड बाई 15 और माइनस का 25, तो बेटा ये बन गया 15 × 25
ऊपर माइनस साइन आएगा, नीचे 15 में से 25 गया माइनस का 10, इसे आप सिंपलीफाई कर लो बेटा, ये आ जाएगा आपका 37.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया, पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल आपका व्यू आ गया। अब यदि हम यहाँ से ओ से आई तक की सेपरेशन निकालें तो आप इसे माइनस कर दो, केवल 37.5 में से आपने जो है ये हिस्सा माइनस कर दिया, ये कितना था हमारे पास 15 था, इसका मतलब जो आपकी इमेज शिफ्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल इन द पीएन जंक्शन। आपको ये बताना है कि बैरियर पोटेंशियल पीएन जंक्शन के अंदर कैसे बनता है। देखो बेटा आपको पता है, ये हमारे पास मान लो पीएन जंक्शन है एक, ये पी है बेटा, ये आपका क्या है एन है, पी में आपको पता है नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं, ये होल्स को ऐसे दिखा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखा लेते हैं। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा होते हैं एन के अंदर, क्योंकि मेजोरिटी में क्या है इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यहाँ कुछ कुछ माइनर से होल्स होते हैं। ठीक है, ये आपका पी है, ये आपका क्या है बेटा एन है। ठीक है, अभी बता रहे हैं कि आप जो है क्या करेंगे, बैरियर पोटेंशियल को समझाइए कि बैरियर पोटेंशियल कैसे बनेगा यहाँ पर। देखो मैं आपको केवल सीधा बोल बोल के बता देता हूँ, क्योंकि क्या होता है जैसे ही बेटा पी एन जंक्शन बनता है ना, आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफ्यूज हो जाता है एन रीजन से पी की तरफ, और जो पी है से जो होल्स है वो हो जाता है डिफ्यूज कहाँ से, एन की तरफ ना। क्यों? क्योंकि जो है आपका किसकी वजह से होता है ये बेटा, ये आपका पोटेंशियल, सॉरी ये इसका चार्ज, जो आपके पार्टिकल्स हैं ना उसके कंसंट्रेशन की वजह से होता है, क्योंकि होल्स जो है पी में ज्यादा होते हैं और बेटा एन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका यहाँ जैसे ही ये एन से इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ आ जाता है बेटा नेगेटिव चार्जेस ना, जिसकी वजह से डिप्लीश एक यहाँ पे इसके बिल्कुल जस्ट मिडिल वाले पॉइंट जहाँ जंक्शन है आपका, वहां पे क्या हो जाता है कि जंक्शन की एन की साइड आ गया पॉजिटिव और इसकी तरफ आ गया बेटा नेगेटिव रीजन ना। ठीक है, यहाँ आयन्स आपके इकट्ठे हो गए हैं, और जो ये रीजन है ना इसे हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर ना, जिसके अंदर क्या होता है केवल और केवल इमोबाइल आयन्स होते हैं बस। ऐसा होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ इस पॉजिटिव एन की साइड वाले का देखो पोटेंशियल ज्यादा हो गया पॉजिटिव में, अब इसका रहेगा नेगेटिव ना, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है जो क्या काम करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है एन टू पी की तरफ। अब क्या करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो जाता है तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाता पी में, और ना बेटा कोई होल्स पी से एन में आ पाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। अगले पार्ट में देखो इसका और वाला पार्ट क्या बोला, नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन टू चेंज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू फॉलोइंग थ्रू इट। देखो बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये फोटो डायोड वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसे मैं नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे, इसे छोड़ देते हैं क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस वाला पार्ट है। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600, आपके पास यहाँ पे लैम्डा गिवन है, लैम्डा कितना है बच्चे हमारे पास है 600 नैनोमीटर, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए स्लिट ऑफ विड्थ ए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज, देखो स्लिट और स्क्रीन के बीच की सेपरेशन होती है इसे कैपिटल डी से लिखते हैं, जो होता है बेटा कितना है 0.8 मीटर है, एंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। एक बेटा यहाँ आप समझ लेना एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, मतलब आपकी सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम जो सेपरेशन है वो हमें गिवन है बेटा 1.5 मिलीमीटर, ये आपको गिवन है। ठीक है, यदि मैं मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं ये बन जाएगा 1.5 × 10⁻³ हो गया। ठीक है बेटा, आपको Y2 गिवन है, और आपको पता होना चाहिए कि बेटा डिफ्रेक्शन पैटर्न में जो मैक्सिमा की कंडीशन होती है, मैक्सिमा इन डिफ्रेक्शन, उसे हम YN से लिख देते हैं, वो क्या बनता है, ये बनता है बेटा 2N+1, यहाँ आ जाता है आपका लैम्डा डी अपॉन 2A, यदि आपको याद हो तो ये बेटा मैक्सिमा की कंडीशन होती है वहां पे। ठीक है, 2N+1 लैम्डा डी अपॉन 2A, और आपको गिवन क्या है, यदि मैं यहाँ से मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट, आपको ए निकालना है, यदि बेटा मैं यहाँ से ए निकाल लूँ तो ए क्या बन जाएगा 2N+1 लैम्डा डी अपॉन में, यहाँ 2 तो है, ये वाई नीचे आ जाएगा बस केवल ना। अब आप सीधी वैल्यू सारी पुटअप कर दो, जो आपका केस आपसे पूछा गया था उसके लिए जो भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यू पुटअप कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा 2 × n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, +1 मल्टीप्लाई बाई लैम्डा की वैल्यू आपके पास है ही 600 नैनोमीटर है, 10⁻⁹ हो जाएगा, इंटू डी बेटा 0.8 मीटर है, डिवाइड में आ जाएगा 2 × yn, y की वैल्यू पता है बेटा 1.5 × 10⁻³, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा जो स्लिट की विड्थ आएगी आपकी वो आ जाएगी 0.8 मिलीमीटर।
ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या बोल रहे थे बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज माइनस क्यू एंटर द रीजन बिटवीन द टू चार्ज प्लेट इनिशियली मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद द स्पीड वी एक्स, ठीक है। देखो इस डायरेक्शन में ये वी एक्स स्पीड से जा रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ बेटा देखो यहाँ पे कोई स्पीड नहीं है, वी वाई वाली कोई वेलोसिटी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, केवल एक्स एक्सिस की तरफ स्पीड है। लेंथ ऑफ दैट प्लेट इज एल, ये आपकी पूरी लेंथ गिवन है हमें प्लेट की। एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, यहाँ पे ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन है। शो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट ए फार एज ऑफ द प्लेट इज दिस, आपको बताना है कि जो ये सेपरेशन है ना, ये वाली जो वाई सेपरेशन है वो कितनी है, क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन में 2 एम वी एक्स का स्क्वायर है। तो बेटा देखो आप पहले सीधा सीधा इस पे फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट वाई वाला ना, यदि मैं वाई एक्सिस का मोशन देखूं इसका, तो आपको पता है वाई इक्वल टू क्या होता है या एक्स इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यदि मैं यहाँ पे देखो वाई एक्सिस मोशन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा यू वाई, ये हो जाएगा बेटा ए वाई, और यू वाई तो ऑलरेडी है ही नहीं इसमें, जीरो है, तो जीरो इंटू टी तो पूरा टर्म जीरो बन गया पहला वाला टर्म, तो प्लस हाफ इंटू ए वाई। अभी आप एक्सीलरेशन निकाल लो, देखो बेटा आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, और एक्सीलरेशन क्या होता है मास इंटू ए, एक्सीलरेशन एम में होता है फोर्स, एम इंटू ए होता है यहाँ पे क्यू इंटू ई हो गया, तो बेटा एक्सीलरेशन क्या आ गया क्यू ई अपॉन में एम, एक्सीलरेशन भी हमारे पास आ गया, तो ये टर्म तो पहला जीरो हो गया, यहाँ आ गया बेटा क्यू ई अपॉन में एम आ गया। अब आया टाइम, टाइम देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का समय निकाल लो बेटा, टाइम क्या होता है, टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी बेटा, लेंथ एल चलना है उसको, स्पीड क्या है उसके पास वी एक्स है, तो टाइम भी हमारे पास आ गया, यहाँ पे इसे पुटअप कर दो बच्चे, एल अपॉन में वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सीधा यहाँ पे जीरो प्लस में ये टर्म क्या आ जाएगा, क्यू ई एल स्क्वायर डिवाइड बाई टू एम इन टू वी एक्स। देखो ये तो सिंप्लीफाई हो गया सीधा, ये तो प्रूफ करना था हमें कि जो सेपरेशन है जितना वो ऊपर वर्टिकली चेंज हो जाएगा, जाएगा मुड़ेगा, क्यों एल स्क्वायर अपॉन में टू एम वी एक्स का स्क्वायर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। अब आ गया क्वेश्चन, अब आ गया बेटा सेक्शन नंबर सी, ठीक है। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है बेटा 26 क्वेश्चन में क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड एफ ऑफ द फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग कंडक्टिंग कंडक्टर्स कैप्ट एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट इन द एयर। हमारे पास जो है 2 कंडक्टर रखे गए हैं ऐसे, ठीक है, उनमें जो है करंट गिवन है, एक में आई वन है मान लेते हैं, एक में बेटा क्या है आई टू है। अभी डायरेक्शन की बात नहीं है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उनके बीच में कितना लग रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है, म्यू वन म्यू नोट आई वन आई टू बाई टू पाई इंटू डी, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, यूजिंग दिस एक्सप्रेशन एंड द साइन कन्वेंशन दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज असाइन ए नेगेटिव साइन। अच्छा यदि कहीं आपको जो है अट्रैक्शन शो कर रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स होगा तो उसे माइनस शो से दिखाना नेगेटिव से, यदि बेटा रिपल्शन होगा तो उसे हम क्या दिखाएंगे पॉजिटिव से दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है, देन ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द डिपेंडेंस ऑफ फोर्स ऑन, आपको ग्राफ बनाना है किस किस का, पहला ग्राफ बनाना है कि जब आई वन आई टू When D is kept constant, मतलब कि आपका जो फोर्स का ग्राफ बनाना है विद रेस्पेक्ट टू आई वन और आई टू के साथ ना, और कब, जब आपका जो है डी क्या रहे बेटा कॉन्स्टेंट रहे ना। देखो बेटा आप लोग, आपको फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा है, जो पहला म्यू नोट आई वन आई टू डिवाइड बाई यहाँ लिखा है टू पाई इंटू डी। देखो यहाँ से मैं साफ साफ आपको केस बना के दिखाता हूँ, पहला केस देखो बेटा, ये जो फोर्स है वो पॉजिटिव कब रहेगा पहले आप सोचो ना, कि जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव, देखो पॉजिटिव फोर्स रहेगा तो इसमें अट्रैक्टिव शो कर, देखो रिपल्सिव शो कर रहा है ध्यान रखना, ठीक है। यदि आप, मैं बोलूँ आपसे कि जो आपका कंडक्टर है उनमें दोनों में जो है करंट की डायरेक्शन सेम है, मान लो अपने डायरेक्शन में ना, तो इसका मतलब डायरेक्शन में सेम है तो क्या करेंगे, ये खींचेंगे आपस में एक दूसरे की तरफ ना, इसका मतलब फोर्स कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। इट मीन्स क्या है कि जो इसका प्रोडक्ट है आई वन और आई टू क्या हो, क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि बेटा दोनों में सेम करंट चलेगा तभी वो अट्रैक्टिव होगा और सेम डायरेक्शन में चलेगा ना, ठीक है, मतलब लाइक करंट आपका होना चाहिए। तो आई वन आई टू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो फोर्स कैसे रहेगा आपका, नेगेटिव, मतलब कि अट्रैक्टिव रहेगा फोर्स ना, क्योंकि यहाँ ये शो हो रहा है आपका, ठीक है, क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव रहेगा तो हम इसे कैसे लिखेंगे, नेगेटिव से शो कर देंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, फोर्स रिपल्सिव का मतलब होता है, रिपल्सिव फोर्स क्या शो कर रहा है आपका, पॉजिटिव शो कर रहा है, ठीक है। रिपल्सिव बेटा फोर्स कम होता है जब आपका जो चार्ज जो करंट है आपका दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए ना, मतलब आपके अनलाइक करंट होना,
यदि आपके अनलाइक करंट रहेंगे तो बेटा जो I1 और I2 का प्रोडक्ट है वो कैसे रहेगा आपका, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो I1 I2 नेगेटिव रहेगा प्रोडक्ट, तो रिपल्सिव फोर्स आ रहा है पॉजिटिव में ना, ठीक है। और रही बात तीसरी किसके डी के लिए ना, यदि हम डी कांस्टेंट कर दे, डी बेटा कांस्टेंट हो जाएगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो करंट है वो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है किसके ऊपर, I1 और I2 के ऊपर ना, ठीक है। और यदि हम I1 I2 को कांस्टेंट कर देंगे तो बेटा डी पे क्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, 1/d पे, ठीक है। अब बराबर से ग्राफ बना लो, देखो पहला ग्राफ जो है वो क्या बन जाएगा, पहले का आंसर क्या होगा, I1 I2 के साथ ग्राफ बनाना है व्हेन डी इज कैप्ट कांस्टेंट ना, तो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली अगर आप कैसे बन जाएगा, यदि आपका अट्रैक्टिव है तो आपका नेगेटिव में जाएगा और यदि रिपल्सिव है तो आपका कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। तो यहाँ लिख लिया हमने I1 और I2 लिख दिया यहाँ पे हमने, ठीक है, ये आपका फोर्स हो गया। तो बेटा ग्राफ कैसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ये आ जाएगा, ठीक है बच्चे, ये इस तरफ आपका फोर्स है ऊपर की तरफ, इधर आपका ये है, ठीक है। सेकंड का ग्राफ क्या बनेगा, डी आपको फोर्स का ग्राफ बनाना है डी के साथ में ना, व्हेन प्रोडक्ट I1 I2 इज मेंटेन एट ए कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि आपका ग्राफ कैसे बनना चाहिए बेटा, पॉजिटिव वैल्यू ना, तो इसका मतलब पहले वाला है I1 और I2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपका डी का ग्राफ बनाना है किसके साथ, फोर्स के साथ ना, तो ग्राफ आपका इन्वर्सली बनेगा, घट रहा है ना, लेकिन नेगेटिव से आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। जो इन्वर्स का ग्राफ बनता है ना, यहाँ पे बोल रहे हैं बेटा कॉन्स्टेंट जो है I1 I2 पॉजिटिव है, सॉरी I1 I2 की जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है ना। तीसरे में ग्राफ कैसे बन जाएगा, जो बेसिक ग्राफ बनता है आपका इन्वर्सली का ऐसे बन जाएगा, ठीक है बेटा, ये डी है ये ऐसे। चलो अगले क्वेश्चन पे आप फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है बेटा। 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, 27 क्वेश्चन के अंदर लिखा है द करंट फ्लोइंग इन द टू कॉइल ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस L1 की वैल्यू आपको गिवन है 16 और L2 वैल्यू हमें बताएं बेटा कितना भार है, आर इंक्रीजिंग एट द सेम रेट। देखो सेम रेट का मतलब है कि जो di/dt है करंट का जो चेंज है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, दोनों केसेस में ना di/dt क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट है। आपको बताना है इफ द पावर सप्लाई टू द कॉइल आर इक्वल, आपकी जो पावर है वो भी सेम है, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज। देखो बेटा आपने पढ़ रखा होगा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा उसमें जो बैक ईएमएफ बनता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ई इक्वल टू होता है बेटा माइनस का LdI/dt होता है। यदि मैं दो केसेस की बात करूं तो आप जो है E1/E2 कर दो डायरेक्ट, तो E1/E2 क्या हो जाएगा माइनस का L1, ये तो सेम ही है बेटा DI/dt दोनों केसेस में सेम है, डिवाइड में हो जाएगा माइनस का L2 DI/dt, DI/dt तो कट जाएगा तो पूरा, सो L1/L2 रेशियो आ जाएगा सीधा वोल्टेज का, E1/E2 इक्वल टू क्या हो गया L1/L2, और L1/L2 बेटा हमें पता ही है 16/12, तो ये बन गया बच्चे 16/12, तो 4 × 16 4:3, तो पहले का आंसर तो हो गया बेटा 4:3। दूसरे में क्या पूछा है आपसे, द करंट बताना है आपको ना। अब आपको बोला गया था कि जो पावर है वो क्या होती है, सेम है, पावर क्या होती है बेटा वी इंटू आई होता है, यहाँ से हम लिख लेंगे E × I, आपने पावर लिख दिया और पावर सेम है तो इसका मतलब जो E1 और I1 का रेशियो है वो क्या रहेगा बच्चे, E2 और I2 के रेशियो के बराबर रहेगा। मतलब जो E1 यदि E2 जो I1 और I2 का रेशियो मेरे को चाहिए वो क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा E2/E1, तो आपको E2/E1 तो ऑलरेडी है, ये बन जाएगा उल्टा कर दो इसको 3/4 हो जाएगा, ये आपको मिल गया, ठीक है। आपसे क्या पूछा फिर आगे, आपसे पूछा गया बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कॉइल ना। अब आप सीधा एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, एनर्जी वाला क्या होता है, एनर्जी होती है बेटा ½ LI² ½ LI² ना। आप दोनों का फॉर्मूला लगा दो तो U1/U2 क्या हो जाएगा, हाफ तो कट ही जाएगा L1/L2 और यहाँ आ जाएगा बेटा I1/I2 का स्क्वायर। तो सारी वैल्यू आपको नोन है, L1/L2 कितना है बेटा 16/12, ये हो गया बच्चे 16/12 × I1/I2 हम निकाल चुके हैं 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे सिंपलीफाई कर लो तो बेटा ये तो कट गया 4/3 आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया इंटू में क्या है 3/4 का स्क्वायर, तो एक 3 से 3 कटेगा, एक 4 से 4 कटेगा, तो ऊपर आ जाएगा बेटा 3:4, तो आंसर क्या आ गया इसका एनर्जी का भी 3:4, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 28, ये क्या बोल रहा है बेटा, द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ऑफ एन इंडक्टर विद द फ्रीक्वेंसी F ऑफ AC सोर्स ऑफ 100 वोल्ट एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी शोन इन द फिगर ना। आपके पास एक ग्राफ गिवन है अपोजिशन का, जो XL जो होता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बेटा आपको गिवन है, ठीक है।
कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टेंस ना, आपको सेल्फ इंडक्टेंस बताना है इसका ना। देखो बेटा आपको बताया है सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, बेसिकली आपको एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एल ग्राफ से कैसे निकालेंगे आपको बताया। देखो यहाँ एक्सएल अपॉन में एफ गिवन है ना, तो बेसिकली एक्सएल क्या होता है बेटा, एक्सएल होता है आपका ओमेगा इंटू एल, ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस पाई इंटू एफ इंटू एल ना। ठीक है, अब आपको ग्राफ से यदि मैं स्लोप निकालूं तो बेटा ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, किसी भी पॉइंट्स पे निकाल लो, मान लो मैं इन दो पॉइंट्स पे निकालता हूँ इस पे और इस पे ना, तो स्लोप हो जाएगा दिस अपॉन में दिस, ये बाई ये ना। तो बेटा स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्स एल और म्यू या फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या मिलेगा आपको, एक्स एल अपॉन में एफ आ जाएगा। और यदि मैं इसके फॉर्मूले से निकालू एक्स एल अपॉन में एफ क्या आएगा, ट्वाइस पाई इंटू एल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा ट्वाइस पाई इंटू एल, मेरे को एल चाहिए तो एल क्या हो जाएगा, तो ये हो गया वन अपॉन टू पाई इंटू कितना स्लोप जो भी है आपका ना, इसका स्लोप निकाल दो बस हो जाएगा काम आपका, स्लोप ऑफ एक्स एल और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन टू पाई इंटू स्लोप क्या होगा, स्लोप हो गया बेटा ये 40 डिवाइड में 200, तो 40 अपॉन 200, 40 अपॉन 200। ठीक है, ये कट गया 1/5 आ गया, तो 1/10 पाई हेनरी। ठीक है बेटा, एल की वैल्यू आ गया आपके पास 1/10 पाई हेनरी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आओ। लिखा है सेकंड पार्ट में, व्हेन दिस इंडक्टर इज यूज इन सीरीज विद अ कैपेसिटर ऑफ अननोन वैल्यू, आपने क्या काम करा, इसे कैपेसिटर को के साथ जोड़ दिया एक ना, एंड रजिस्टर ऑफ दिस, आपको आर की वैल्यू पता है 10 ओम है एट 300 पर सेकेंड, इसका मतलब आपको फ्रीक्वेंसी पता है बेटा 300 है यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अकर्स इन द सर्किट, देखो बेटा मैक्सिमम पावर कब होती है, जब आपका करंट मैक्सिमम हो, और बच्चे करंट मैक्सिमम कब होता है, जब आपका अपोजिशन मिनिमम हो, और अपोजिशन मिनिमम कहाँ होता है, जब आपकी कौन सी कंडीशन हो, एक्सएल इजक्ल टू एक्स सी हो जाए ना। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, सीधा 1/√LC हो जाएगी, जिसे हम बोल देते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ना। तो आपको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो बेटा ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इजक्ल टू 1/LC, तो बच्चे सी इजक्ल टू क्या हो जाएगा 1/ln(ω)2, सीधी वैल्यू पुट अप कर दो, 1/ln(ω) ओमेगा क्या होता है, ओमेगा ट्वाइस पाई इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर हो जाएगा, सारी वैल्यू पुट अप करो, तो बेटा आपका आंसर आएगा, चेक करने के लिए बता देता हूँ, 8.84 माइक्रो फैरड। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आओ, इसका और वाला पार्ट देखो, ये कहाँ चला गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया बेटा ये ना, इसके और वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है बेटा द फिगर शोज द LCR सर्किट टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 230 वोल्ट। ठीक है, आपको वोल्टेज गिवन है हमारे पास, ठीक है, और आपके पास रेजिस्टेंस भी पता है कि आर की वैल्यू कितनी है, आपको कैपेसिटेंस भी पता है, और आपके पास बेटा इंडक्टेंस की वैल्यू भी है। ठीक है, ये हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है बच्चे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस ना, आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है, ओमेगा आपको बेसिकली निकालना है कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी। तो बेटा जो हमारा यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा क्या होता है आपको पता ही है, 1/√LC होता है। ठीक है, एल और सी की वैल्यू, सबकी वैल्यू गिवन है आपके पास, फटाफट से डाल दो यहाँ पे। ठीक है, तो एल की वैल्यू बेटा हमारे पास है 5 × सी की वैल्यू है 80 माइक्रो फेरड, 80 × 10⁻⁶ हो जाएगा। आप इसे फटाफट से सोल्व करो, तो बेटा ये हो गया 8 × 5 = 40, 400 आ गया नीचे 10⁻⁶ का स्क्वायर रूट, इसे आप लिख लेते हैं 1/20 × 10⁻³। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके पास ना 10⁻³, ऊपर चला गया 1000 अपॉन में आ गया 20, ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया बेटा ओमेगा की वैल्यू आगे बच्चे हमारे पास, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज्यादा मोटा पेन हो गया है। ठीक है बेटा, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी आगे, सीधी 50 रेडियन पर सेकंड। ठीक है बच्चे, और यदि आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि भाई एफ निकालना है स्मॉल नहीं, तो ओमेगा है, ओमेगा क्या होता है, ट्वाइस पाई इंटू एफ होता है, तो ये हो गया ट्वाइस पाई एफ इक्वल टू 50, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आगे बेटा की 250/√2π, इसे सिंप्लीफाई करो या फिर यहीं पे छोड़ दोगे तो भी काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, एक छोटा छोटा कर लो बस, केवल ये हो गया 25/√5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इंपीडेंस, मतलब आपको जेड की वैल्यू बतानी है एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस में पूछा गया है ना, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि जब आपका अपोजिशन मिनिमम रहता है, तो बेटा जेड की वैल्यू सीधा क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, जो आपका इम्पीडेंस होगा वो सीधा आर के बराबर हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है, 40 ओम है, तो बेटा इम्पीडेंस कितना हो गया, 40 ओम आपका हो गया। ठीक है, आगे पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, करंट बताना है आपको, तो बेटा मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन में अपोजिशन,
और वोल्टेज मैक्सिमम कितना है, आपको 230 वोल्ट दे रखा है, दैट इज वी आर एम एस में, तो आपका वोल्टेज मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 230 √2 डिवाइड में, क्योंकि आपको पता है आई आर वी आर एम एस में √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पीक वोल्टेज मिल जाता है, तो 230 √2 डिवाइड में आ गया, पोजिशन कितना है 40 है, आप इसे सिंप्लीफाई करो तो बेटा ये आएगा आपका 8.1 एम्पीयर करंट आपका आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, शो दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल सी कॉम्बिनेशन इज जीरो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब आपका जो वीएल और वीसी है उसको आपको दोनों का डिफरेंस जो है जीरो दिखाना है, तो आप सीधा वीएल निकाल लो पहले, वीएल क्या है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो जो आपका मैक्सिमम करंट आया आई मैक्स इंटू अपोजिशन इंडक्टर एक्सएल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई मैक्स तो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, 8 पॉइंट कितना है बेटा ये 1 है, तो ये 8.1 आ गया इंटू एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है कितनी आई थी हमारे पास, ये बेटा 50, तो ओमेगा हो गया 50 आपका इंटू एल, एल क्या करेंगे आपके पास 5 है, आप इसे सिंप्लीफाई करो तो बेटा कितना बन जाएगा ये 50 इंटू 5 250 इंटू 8.1 तो 25 200, तो बेटा ये आ गया 2025 वोल्ट। सिमिलरली आप जो है वीसी निकाल लो, तो बेटा वीसी क्या हो जाएगा आई इंटू एक्ससी हो जाएगा हमारे पास, ये आई मैक्सिमम है, आई मैक्सिमम हमारे पास है 8.1 इंटू एक्ससी क्या हो जाएगा 1/ωc होता है, तो ये हो गया 8.1 इंटू 1/2 π𝑣, या ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास है 50 है, सीधी आप जो 2 π वाला छोड़ो 50 इंटू सी की वैल्यू पुट अप करो, सी कितना है बेटा 80 × 10⁻⁶, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चे ये वैल्यू भी आपकी कितनी आएगी एग्जैक्टली 2025 वोल्ट ही आएगा। तो जो आपका डिफरेंस जो आपको प्रूफ करना था, यदि आप वीएल माइनस वीसी दिखाएंगे तो वो कितना आ जाएगा जीरो हो जाएगा, ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, आपको लिखा है कि ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स ऑफ पावर 5 मिली वॉट, ना आपके पास पावर गिवन है कितनी है 5 मिली वॉट, इसका मतलब 5 की पावर 5 × 10⁻³ वोल्ट आपकी पावर होगी, एमिट्स इतने फोटॉन्स पर सेकंड, आपकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको पता है, एन की वैल्यू कितनी है 8 × 10⁵ फोटॉन्स, ठीक है पर सेकंड ना, ये नंबर्स आ गए आपके पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। दिस लाइट इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दिस सेटअप इज, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी पता है, मतलब आपका जो वी नोट की वैल्यू है बेटा वो भी आपका कितना है 2 वोल्ट आपसे गिवन है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ क्या रहा है कैलकुलेट द वर्क फंक्शन, आपको W बताना है, ठीक है W नोट या W बताना है, या फिर इसे फाइव से डिनोट करते हैं, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा आपने आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ रखी है, यदि मैं आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज करूँ यहाँ पे, तो आइंस्टीन की बेसिकली इक्वेशन क्या होती है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है बेटा वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हमें वर्क फंक्शन चाहिए तो बेटा ये हो जाएगा ई इंटू ई माइनस का काइनेटिक एनर्जी, लेकिन पहले हमें ई निकालना पड़ेगा कि उसकी बेसिकली ई कितनी है, तो जैसे आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी माइनस का काइनेटिक एनर्जी ई इंटू वी नोट होता है, वी नोट ऑलरेडी पता है 2 है आपका, ठीक है बेटा ई निकाल लेते बस केवल ना, ठीक है। तो ई कैसे निकलेगी एनर्जी आपकी, यहाँ से देखो पावर गिवन है आपको, नंबर ऑफ फोटोन्स की संख्या भी गिवन है, तो आपने एनर्जी और फोटोन्स का जो फॉर्मूला एक सुना होगा, क्या होता है कि जो आपकी बेसिकली एनर्जी होती है बेटा वो होता है पावर डिवाइड में नंबर ऑफ फोटोन्स एन ना, आप सीधा पावर का फॉर्मूला डालना यहाँ पे, पावर है 10⁵ × 10⁻³ डिवाइड में बेटा 8 × 10⁵ ना, इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो बच्चे ये आ गया हमारे पास 6.25 × 10⁻¹⁹, ये जूल में आएगा। आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू डिवाइड दिस 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। अब ये किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, तो बेटा जो एनर्जी कैलकुलेट करके आ गई हमारे पास वो होगी बच्चे 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपकी एनर्जी आ गई, आप सीधा यहाँ पुट अप कर दो इसको, तो 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का ई इंटू वी नोट, तो 3.9 में से आपने सीधा वी नोट की वैल्यू पुट अप माइनस कर दो, माइनस का 2 इंटू ई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी वर्क फंक्शन आ जाएगा कितना हो जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोला इसी का और पार्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली द रीजन व्हाई वेव थ्योरी ऑफ द लाइट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व फीचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बोल रहा है कि जो वेव थ्योरी है वो
नहीं कर पाई थी एक्सप्लेन किसके फीचर्स को जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑब्जर्व हुए थे या उसने एक्सप्लेन कर दिए थे ना, तो आपको बताया बेटा इसके बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं यदि आपको याद हो तो। पहला मेजर पॉइंट है बेटा टाइम लैग वाला, टाइम लैग मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ बोल के, बस केवल लिखूंगा नहीं, ध्यान रखना। देखो बेटा टाइम लैग क्या मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन टकराया, वेव थ्योरी क्या बोलती है कि जैसे इलेक्ट्रॉन टकराया है तो क्या होता है वो एनर्जी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की नहीं मिलती, आपने यहाँ से फोटोन टकराया तो उसके पास एनर्जी थी, वो एक जो इलेक्ट्रॉन अटैच है अंदर मेटल सरफेस के अंदर वहां पे वो एनर्जी जो है एक के पास नहीं जाएगी सारी, वो क्या करेगी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना, जिसमें क्या होता है कि जिसमें कुछ समय लगता है और इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में टाइम लगता है। लेकिन जो होता है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली थ्योरी क्या बोलती है कि सीधा एक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा और यदि उसकी फ्रिक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। पहला पॉइंट तो ये था टाइम लैग शो कर रहा था इसके अंदर वेव थ्योरी के अंदर। दूसरी बात क्या था, दूसरी बात जो वेव थ्योरी बोलती है वो क्या बोलती थी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन बेसिकली काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू किसके ऑब्जर्वेशन जो हमने करी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ना। सो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे नॉट ऑन इंटेंसिटी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इंटेंसिटी की वजह से क्या होता है नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है बच्चे। तीसरी बात क्या है कि तीसरी बात में बोला गया था कि यदि आपके पास मान लो इंटेंसिटी जो है सफिशियंट है, इंटेंसिटी क्या है बेटा आपके पास सफिशियंट है और आप जो है फिर किसी भी फ्रिक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन को एमिशन कर सकते हैं, ये क्या बोल रही थी, ये वेव थ्योरी बोलती थी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली थ्योरी क्या बोलती है कि आपके पास मिनिमम एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की लाइट होगी आपकी तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा वरना इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। तो बेटा ये 3 पॉइंट से जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी लेकिन किसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कर दिया था, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, शी स्केच द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर द टू फोटोसेंसिटिव मटेरियल ए एंड बी हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू ए इज ग्रेटर देन न्यू बी ना। आपको मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल वी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है। देखो आपको पता है ग्राफ कैसे बनता है, फ्रीक्वेंसी इसका ग्राफ बनता है इस तरीके से, ठीक है। इसने बोला है कि ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसका मतलब बेटा ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो यहाँ इसकी थ्रेशोल्ड ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ आपका स्कोपिंग पोटेंशियल है वी नॉट, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी बच्चे न्यू ए, ये हो गया बेटा न्यू बी, ठीक है। आपको साफ दिख रहा है न्यू ए ज्यादा है बेटा किससे, न्यू बी से, ठीक है। ये ग्राफ बन गया आपका। आगे पूछा गया इन विच केस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर एंड वाई, आपको बताना है इन दोनों जो ग्राफ बनाया हमने ये इस ग्राफ के अंदर किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है और क्यों है, ठीक है। यदि मैं आइंस्टीन की इक्वेशन पे जाऊँ तो बेटा आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, ई इंटू वी नोट जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है बच्चे एच न्यू माइनस का एच न्यू नोट, ये होता है, ठीक है। यदि मैं यहाँ से पोटेंशियल ही निकाल लेता हूँ दिस विल बी एच अपॉन ई इंटू न्यू हो जाएगा माइनस का एच अपॉन ई इंटू न्यू नोट हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया और यदि मैं यहाँ से इसे एच अपॉन ई भी चलो कॉमन ले लेते हैं तो बेटा क्या बनेगा न्यू माइनस का न्यू नोट आ गया, ये आपकी फ्रिक्वेंसी है जिसपे आप डाल रहे हैं और ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आ गई ना। तो आप क्या देख रहे हैं यदि मैं न्यू नोट को कम कर देता हूँ, यदि आपकी बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, यदि ये वैल्यू कम होगी तो ऑटोमेटिकली वी नोट जो है वो बढ़ जाएगा, वी नोट क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो वी नोट क्या हो जाएगा बेटा इंक्रीज हो जाएगा। तो जिसकी थ्रेशोल्ड कम है उसके लिए क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा, डज द स्लोप ऑफ ग्राफ डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल यूज एक्सप्लेन वाई, बेटा नहीं, क्योंकि देखो जो स्लोप ऑफ जो है वो किसी पे केवल किस पे डिपेंड करता है, वो तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। देखो यदि मैं इसकी इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ इसको कंपेयर करूँ, इस वाली इक्वेशन को जो ये हमने दिखा रखी है ये वाली जो इक्वेशन है इसे यदि मैं कंपेयर करूँ तो जो एम होता है वो एम स्लोप है यहाँ पे ना, वो किसकी वैल्यू क्या है एच अपॉन ई है, और बेटा एच अपॉन ई क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, प्लैंक कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसलिए क्या होगा ये एक कांस्टेंट नंबर है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे अब आगे बेटा सेक्शन नंबर डी, ये 5 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। पहला क्वेश्चन बेटा देखो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ये
पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट में लिखा है बेटा, एक्सप्लेन ब्रीफली यूजिंग ए प्रॉपर डायग्राम द डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डायलैक्टिक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको क्या बताना है इसके अंदर तीन पार्ट, दो पार्ट है बेटा। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको जो है डायग्राम बना के जो है कंडक्टर का बिहेवियर और डायलैक्टिक पुट अप कर दिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसका बिहेवियर समझा रहा है। देखो बेटा यदि मैं कंडक्टर वाले केस में बात करूँ, आपको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। ये आपका कंडक्टर है, जैसे आप यहाँ पुटअप करते हैं इसके बीच में ना, बैटरी के बीच में आपने जो एक्सटर्नल फील्ड लगा रखा है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाता है बेटा नेगेटिव चार्ज ना, यहाँ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज ना, और जो इनका ये नेट रहता है यहाँ पे, इसकी वजह से क्या हो जाता है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बन जाता है, क्योंकि इंडक्शन की वजह से जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ किसके सारे, और पॉजिटिव वाले बेटा सारे यहाँ किसके, इसकी वजह से क्या होता है जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल और अपोजिट बन जाता है किसके, एक्सटर्नल के ना, इसकी वजह से नेट फील्ड कितना हो जाता है अंदर की तरफ जीरो हो जाता है। जो मैंने बोला आपको टू द पॉइंट वैसे ही लिखना है, ठीक है बेटा। लेकिन डायलैक्ट्रिक जैसे आप पुट अप करते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है क्या हो जाती है घट जाती है, जैसे ही आप डायलैक्ट्रिक पुट अप कर देते हैं तो, क्योंकि जैसे आपने डायलैक्ट्रिक पुट अप किया है तो आपको पता है डायलैक्ट्रिक के अंदर क्या हो जाता है यहाँ पे पेयर्स बनने शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से ना ये आपको डायग्रामेटिकली दिखाना है, ऐसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये करते हैं ये सारे डायलैक्ट्रिक मिलके एक अपोजिशन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं जिसे हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेटा घट जाता है, ठीक है। बस ये तो हो गया पहले का आंसर, दूसरे वाले में क्या बोल रहा है मेरी तबीयत खराब है बेटा, ठीक है सुनो। डिफाइन द टर्म पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, आपको पोलराइजेशन को डिफाइन करना है, तो बेटा बेसिकली क्या होता है पोलराइजेशन का मतलब होता है कि जो भी आपके डायपोल मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट पर यूनिट जो आपका वॉल्यूम है उसे बोलते हैं बेटा हम क्या, पोलराइजेशन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं बेसिकली पी से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चे। राइट द एक्सप्रेशन फॉर ए लीनियर आइसोट्रोपिक डायलेक्ट्रिक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पोलराइजेशन के लिए इसकी वैल्यू लिखनी है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, तो आपने एक टर्म सुना होगा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, तो बेटा बेसिकली जो पोलराइजेशन होता है वो क्या होता है ससेप्टिबिलिटी इलेक्ट्रिक वाली इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन क्या लिखा है, द फिगर शोज द नेटवर्क ऑफ 5 कैपेसिटर कनेक्टेड टू द 10 वोल्ट बैटरी, आपकी 10 वोल्ट की बैटरी आपने जोड़ रखी है, आपके पास 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पे ना, कैलकुलेट द चार्ज एक्वायर बाय द 5 माइक्रोफेरड कैपेसिटर, आपको बताना है कि 5 माइक्रोफेरड में कितना चार्ज रहेगा। देखो बेटा समझो पहले आप इसका नेट सी निकाल लीजिए कि नेट सी कितना आएगा, देखो आप देख रहे हैं 15 और 10 कैसे है देखो बेटा जो आपका ये 15 और 10 है ये कैसे हैं आपको साफ दिख रहा होगा कि ये दोनों सीरीज पैरेलल में लगे हुए हैं, यदि पैरेलल में लगे तो इनका नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 15 और प्लस 5 कितना हो गया, 20 हो गया, तो आपका यहाँ पे एक 20 का लग गया, ये ना आपका ये कैपेसिटर है आपका कितने का लग गया, 20 का लग गया। ये देखो 10 और 10 भी आपके कैसे लगे हैं पैरेलल में लगे हैं, तो इनका भी आपका 20 आ जाएगा, यहाँ आपका ऑलरेडी 20 का लगा हुआ है, रजिस्टर बना दिया मैंने, ये कैपेसिटर लगा रखा है कितने का, 20 का है, ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हैं ये दोनों 20 और 20 वाले कैसे हैं सीरीज में, इनका आप सीरीज निकाल लीजिए तो 1/C के हिसाब से 1/20 प्लस 1/20, इनका जो सी है बेटा वो आ जाएगा 10 आ गया सी हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 10 आ गया, इनका 10 और 20 कैसे लगे हुए हैं पैरेलल में है, तो इनका नेट सी कितना आ गया बेटा, सी इक्विवेलेंट आ गया आपके पास 30, आई थिंक आपको समझ में आ गया कैसे निकाला मैंने, सी निकल गया बेटा। उसके बाद आप सीधा जो है वोल्टेज आपको पता ही है कितनी है 10 है, तो आपका जो नेट चार्ज है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है पोटेंशियल तो आपके पास ही, तो क्यू इजल टू सी वी होता है, तो ये हो गया 300, ठीक है नेट चार्ज आपका कितना है, नेट चार्ज आपका बेटा 300 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है चार्ज एक्वायर बाय द 5 माइक्रोफेरड कैपेसिटर, आपको 5 वाले के अंदर बताना है कितना चार्ज हो जाएगा, तो आप एक बार ऑब्जर्व करो जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा किसके अक्रॉस इसके बीच में, जो आपका ये साफ साफ दिख रहा होगा किसके बेटा, जो आपका फाइनल वाला है ना, ये हमारे पास जो आया है कौन सा आया हमारे पास, यहाँ से मैं इसे यदि ऐसे बनाऊं नीचे बेटा 20 वाला है ये आपके पास, और यहाँ इन दोनों का भी एक पैरेलल वाला लगा हुआ है, कितना है ये यहाँ पे था हमारा, ये कितना आया था 10 आया था, ठीक है, और यहाँ आपकी बैटरी लगा रखी थी ये 10 वोल्ट की, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ से इसका चार्ज निकाल लूँ किसके 5 वाले के अक्रॉस ना, 5 कहाँ पे लगा हुआ है
पांच आपका यहाँ ऊपर वाले में है, जो किस में आएगा, इस 10 वाले के अंदर आएगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ सीधा सी वाई क्यू इक्वल टू सी वी का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो इसके ऊपर कैपेसिटेंस है वो तो आपको गिवन है, 5 × 10 की पावर - का कितना है 6 है, लेकिन जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में बढ़ जाता है, तो इसके ऊपर जितना रहेगा इतना इसके ऊपर रहेगा। सॉरी, वोल्टेज जो है बेटा पैरेलल में सेम रहता है, तो 10 के ऊपर और जो 20 के ऊपर है दोनों पे सेम रहेगा। जो 10 वाला है वो किसका कॉम्बिनेशन है, 20 20 वाला वो कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब इस पे भी 5 वाले पे भी आधा चला गया आपके पास, और इस पे भी पूरा आधा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज पोटेंशियल कितना हो गया, 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया बेटा 25 × 10 की पावर - का 6 कूलम। अगले क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर ये इसका और पार्ट देखो। और पार्ट में क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज नियर इट इज डिफाइंड एज इज। आपने लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट्स क्यू टेंस टू जीरो। तो बेटा क्यू का मतलब पता क्या होता है, लिमिट्स क्यू टेंस टू जीरो क्यों लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि जो आपका हम क्यू यूज करते हैं ना, जो क्या होता है टेस्ट चार्ज होता है बेसिकली ना, तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू हम जीरो क्यों लेते हैं, क्योंकि यदि हमने टेस्ट चार्ज को जीरो नहीं रखा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, यदि हमने टेस्ट चार्ज को जीरो नहीं लिया तो ये क्या काम करेगा, ये अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा। तो हम जो एग्जैक्टली ये जो सोर्स चार्ज है आपके पास, उसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं एक्सप्रेशन के दौरान जो है लिमिट क्यू टेंस टू जीरो लिख देते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा सोर्स चार्ज है उसकी हम एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, आगे पूछा, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ पॉइंट चार्ज क्यू व्हेन क्यू इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए बनानी है आपको, तो आपको पता है पॉजिटिव लाइन्स कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम द चार्ज जाती है, तो लाइन्स बचती है ऐसी चली जाएगी। ठीक है, क्यों नहीं, क्यों लेस देन का मतलब है नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव में बेटा चार्ज लाइन्स कहाँ आएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी, ऐसे ऐसे लाइन्स आप बना देंगे, बस हो गया। आगे पूछा है सेकंड पार्ट में, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द सर्किट बिलो इफ द बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी, कैलकुलेट द चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। चार्ज तो सीधा निकल जाएगा क्यू इज इक्वल टू सी वी। एक बार आप इसका सी निकाल लीजिए, वी से वी हमारे पास है 10, सी से वी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बेटा आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे, यदि मैं ऑब्जर्व करूँ, यदि मैं यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज वाली कंडीशन देखो दिमाग में रख के, आप देखो यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, तो इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो क्या है, बराबर आ रहा है, 10 / 5 = 20/10। तो ये बेटा 2 = 2 आ गया, इसका मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, तो बीच वाले कैपेसिटर में से क्या होगा आपका करंट पास ही नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा तो आप इसे हटा देंगे यहाँ से। यदि मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ तो ये हट के ही आपका क्या बन जाएगा, आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा आसानी से। अब आप देखेंगे केवल आपका सर्किट में कैसे दिखाई देगा, बेटा ये कैपेसिटर यहाँ है, एक यहाँ है नीचे बच्ची, एक यहाँ कैपेसिटर है और एक यहाँ कैपेसिटर है, ये ना ये आपकी ए और बी पॉइंट्स हो गए ना, ए और बी पे इसने बैटरी जोड़ रखी है कितने की, 10 वोल्ट की। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, ये 10 वोल्ट की बैटरी हो गई यहाँ पे, ये आपका बेटा 10 है, ये 20 है, ये आपका 5 है, ये आपका बच्चे क्या है 10 μF है। ठीक है, इनको आप सिंप्लीफाई कर लो, आप इजीली देखेंगे ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है। अब जो नीचे के जो ऊपर के दोनों सीरीज में है उनका सिंप्लीफाई करो, 1/10 + 1/20 से निकल जाएगा इनका ऊपर वाले का आंसर, तो ये हो जाएगा C1 C2 / C1 C2, ये वाला फॉर्मूला लगा डायरेक्ट अपना, ये हो गया बच्चा 10 × 20 / 30 आ गया, ये कैंसिल आउट हुआ तो 20/3 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह नीचे वाले का निकाल लो, ये 5 और 10 है, ये आ गया 5 × 10 / 15, 5 से कटा 3, बेटा ये हो गया 10/3 ना। अब दोनों कैसे हैं, दोनों पैरेलल में आ जाएगा नेट, दोनों को जोड़ दो आपस में, 20 + 30 30/3 आ गया, तो बेटा ये आ गया हमारे पास कितना 10, इसका मतलब नेट कैपेसिटेंस आ गया बच्चे कितना 10 μF, और आपके पास वोल्टेज ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा 10 μF × 10, तो बेटा ये आ गया आपके पास 100, तो सीधा ये आपका 100 μC चार्ज आ गया। यदि इसे कूलम में लिखना है तो 100 × 10 की पावर - का कितना 6 हो जाएगा, तो दिस विल बी 10 की पावर - का 4 कूलम आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 32, ये क्या बोल रहा है बेटा, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट स्पीड ना। आपको बताना है कि ड्रिफ्ट स्पीड को डिफाइन करना है, तो बेटा आपको पता है ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, कि वो मिनिमम वेलोसिटी होती है या फिर वो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिससे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं, जैसे ही आप जो है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे आपके पास मान लो एक कंडक्टर है, इसे आपने बैटरी से अटैच कर दिया, ये आपकी बैटरी है,
आप देखते हैं, जैसे आप बैटरी लगाते हैं तो जो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं ना, ठीक है। जिस स्पीड से वो अपने पास से ड्रिफ्ट हुए हैं उसे बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट स्पीड। तो आप डिफाइन कैसे करेंगे कि द एवरेज स्पीड ऑफ ऑल सच इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एवरेज स्पीड ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाई विच दे कैन ड्रिफ्ट फ्रॉम देयर पाथ आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड या आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल बैटरी, ठीक है बेटा। आगे पूछा है ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी जे जो होता है और जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी, उसके बीच में आपको एक्सप्रेशन बताना है जे और वीडी के बीच का, ठीक है बेटा। चलो फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है देखो बेटा वीडी क्या होता है। वीडी होता है माइनस का ई टो बाई एन, और यहाँ से आपके पास रिलेशन आता है करंट का भी एन ई ए वी डी, ठीक है। यदि मैं यहाँ से जे का फॉर्मूला लगाऊं डायरेक्ट तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी हो जाएगा बेटा करंट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे यदि आप इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं करंट का एन ई ए वी डी डिवाइड में आ गया ए, ए से ए कैंसिल आउट हो गया तो बेटा जे इज इक्वल टू आ गया एन ई वी डी। बस आपको यही ड्राइव करना था यहाँ पे ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में ये रिलेशन होता है। अगले पार्ट में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो ये अच्छा क्वेश्चन होता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप ढंग से समझना, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू मेटेलिक वायर्स पी वन एंड पी टू ऑफ सेम मेटेरियल एंड सेम लेंथ बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया ए वन एंड ए टू, ठीक है, जॉइन टूगेदर एंड कनेक्ट ए सोर्स ऑफ ई एम एफ ना, फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द टू वायर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज ना। पहला केस है बेटा सीरीज का, आपके पास मान लो एक वायर ये है, दूसरी वायर आपके पास ये है, ठीक है। इसे मान लेता हूँ कि मान लो पी वन है, ये आपके पास क्या है बेटा पी टू है, जो गिवन है आपके पास ना, आपने यहाँ बैटरी से जोड़ दिया इन दोनों को ऐसे ना, ये सीरीज में लगे हुए हैं। आपको बताना है सीरीज में लगने के बाद इनकी ड्रिफ्ट स्पीड का रेशियो बताना है, ठीक है। तो आपको बेसिक सी बात है भाई, ड्रिफ्ट स्पीड बताइए बेटा क्या होता है। वीडी यहाँ से निकाल लो करंट वाले फॉर्मूले से, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई ए, वी डी आ गया हमारे पास आई अपॉन में एन ई ए। अब आप जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है हमारा वो क्या है, रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ई, मटेरियल तो सेम है, ठीक है, सेम मटेरियल सेम लेंथ है तो रो एल अपॉन में ए वन, ये पहले का रेजिस्टेंस आ गया। दूसरे का रेजिस्टेंस जो पी पी टू का रेजिस्टेंस है बेटा वो क्या हो जाएगा रो एल अपॉन में ए टू, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब यदि मैं ड्रिफ्ट स्पीड का रेशियो निकालू, जब आपने करंट कैसे लगा रखे हैं सीरीज में ना, तो बताएंगे मान लो वी डी वन है डिवाइड बाई वी डी टू, और ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है आई अपॉन में एन ई ए। तो आई क्या होता है हमारा करंट है बेटा, ये होता है वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज आपने मान लो ई सप्लाई कर रखा है तो ये हो गया ई अपॉन में रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो आप यहाँ दोनों का रेजिस्टेंस क्या, दोनों को सीरीज में लगे हैं तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो बेटा ये हो गया रो एल अपॉन में ए वन प्लस का आ गया रो एल अपॉन में ए टू, इन टू में नीचे क्या है एन ई ए है, ये आ गया बेटा एन ई ए, ठीक है। ये आपका वी डी वन आ गया, डिवाइड में पूरा वी डी टू कर देंगे। अब आपने दूसरे का डिवाइड कर दिया, ठीक है, आप सेम वे में यही आ जाएगा यहाँ पे, बस केवल यहाँ ए वन आएगा। तो इसमें बेटा ई अपॉन में सेम रेजिस्टेंस आएगा ये, तो रो एल अपॉन में ए वन प्लस दोनों सीरीज में लगे हुए हैं रो एल अपॉन में ए टू, लेकिन यहाँ आ जाएगा वन अपॉन में एन ई ए टू। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सब कट कुट के बेटा ए टू अपॉन में ए वन आ जाएगा, तो ये इसका पहले का आंसर हो गया। यदि आपने सीरीज में लगाया तो बच्चे, ठीक है, तो ये आपने पैरेलल में जोड़ दिया जो सेकंड केस में पूछा गया है इन पैरेलल ना, आपने बेटा पैरेलल में जोड़ दिया तो आपको पता है पैरेलल में क्या चीज सेम रहेगी, कैरन पैरेलल में जो है वोल्टेज तो सेम ही रहता है। ये आपका पी वन है मान लो, आपने पैरेलल में जोड़ा पी टू हो जाएगा, बस यहाँ आपका रेजिस्टेंस अब अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। ये आपने बैटरी लगा दी तो ये है ये पी वन, ये आपका पी टू है। जब आप यहाँ पे वी डी निकालेंगे वी डी वन बाई वी डी टू ना, तो वोल्टेज ये तो पता ही आपको ड्रिफ्ट स्पीड आई अपॉन में एन ई ए होता है, आई की वैल्यू सीधा आपका हो गया वी वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज हमारे पास ई है, ई अपॉन में पहले का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा रो एल अपॉन में ए वन आ गया, और नीचे एन ई ए है एन ई ए वन नीचे आ गया पूरे के सेम वे में। दूसरे का लगा दो बेटा ये हो जाएगा ई अपॉन में रो एल अपॉन में ए टू, और नीचे आ गया वन अपॉन में एन ई ए टू। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे कट के पूरा बेटा क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, ठीक है, तो ये वन आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चे।
तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका रेशियो आया दोनों केसेज में, एक में ये आ गया, एक में हमारे पास ये आ गया। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ हमारे पास। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका और वाला पार्ट देखो। ये क्या बोल रहा है कि आईवी ग्राफ ऑफ मेटेलिक वायर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। आपके अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ गिवन है वोल्टेज वर्सेज करंट का। ठीक है, आपको गिवन है विच ऑफ द टू टेम्परेचर इज लोअर एंड वाई। आपको बताना है इनमें से कौन सा टेम्परेचर कम है। तो बेटा आप जानते हो, यदि मैं इसका स्लोप निकालू ना, स्लोप ऑफ आई और वी ग्राफ, ठीक है, स्लोप क्या हो जाएगा, आई अपॉन में वी हो जाएगा। आई अपॉन में वी क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, आपने सुना है आई इंटू आर ना। यदि मैं आई अपॉन में वी करूंगा तो बेटा दिस विल बी वन अपॉन आर, तो आपका जो इसका स्लोप है वो आपको क्या देगा, आर देगा, वन अपॉन आर देगा। मतलब यदि आपका आर जो है वो क्या है, इनवर्सली टू स्लोप होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका बेटा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जिसका स्लोप बच्चे कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, ये ज्यादा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जिसका स्लोप ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। आपसे पूछा गया टेम्परेचर ना, और बेटा जिसका रेजिस्टेंस कम उसका टेम्परेचर भी कम, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर भी बच्चे ज्यादा ना, तो हमें चाहिए टेम्परेचर कम वाला। इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होना चाहिए, या स्लोप किसका है, T1 का है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है बेटा, T1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द 2 ओम रेजिस्टर फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। आपको बताना है कि 2 ओम रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा। देखो बेटा, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है, क्यों नहीं करेगा करंट फ्लो। देखो ये पूरा क्लोज लूप बना रखा है यहाँ पे ना। यदि मैं यहाँ पे कोई भी करंट मान लेता हूँ, कि मान लो यहाँ से I1 करंट जा रहा है, ठीक है, यहाँ से करंट निकला I1 ना, तो पूरी एक वायर ही है ये ना। इसके अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखो, आप देखेंगे, मान लो मैं लूप लगा दू 10 - 5 × I1, क्या बन जाएगा, 0। इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरा लूप बंद है, तो ये तो लूप में आ ही नहीं रहा आपका, इसका मतलब इसके अंदर से कोई करंट ही पास नहीं होगा। ठीक है बेटा, ड्रॉ ए ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर एज ए फंक्शन। आपको जो है रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाना है, किसके साथ बनाना है, फंक्शन ऑफ इट्स डायमीटर, डायमीटर के साथ बनाना है। ठीक है, कीपिंग इट्स लेंथ एंड मटेरियल कॉन्स्टेंट ना। देखो आपको बताया बेटा, रो आर क्या होता है, बेसिकली रो एल अपॉन में ए होता है। इसने बोला लेंथ और मटेरियल तो कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब आर इनवर्सली टू 1 / a हो गया, और एरिया क्या होता है, π × r² होता है। मैं जो रेजिस्टेंस है वो 1 / r² पे हो गया, और r क्या होता है, डायमीटर का स्क्वायर होता है। इसे मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूँ, 1 / diameter² ऊपर 4 हो जाएगा, तो ये हो गया r जो है इनवर्सली क्या हो गया, 1 / t², तो सीधा सीधा ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ऐसे ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ये d आ गया बेटा आपका, ये आपका r आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 33। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं बेटा, इन ए डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट हाउ विल द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। आपको थीटा बताना है कि सेंट्रल मैक्सिमा का थीटा कैसे चेंज होता है। ठीक है बेटा, देखो सेंट्रल मैक्सिमा का जो एंगुलर विड्थ होता है, बेसिकली वो होता है 2λ/a, ध्यान रखना आप। ठीक है, यदि लीनियर विड्थ की बात करता है तो बेटा ये हो जाता है 2λ/d/a। अब पूछ के रहा है कि ये थीटा चेंज कैसे होगा, यदि ऑरेंज लाइट इज यूज इन प्लेस ऑफ ग्रीन लाइट ना, इसका मतलब लैम्डा पे डिपेंड करता है, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका थीटा ज्यादा। बेटा लैम्डा किसका ज्यादा होता है, ऑरेंज का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू किसके, ग्रीन के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एंगुलर विड्थ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने क्या काम कर दिया, ऑरेंज लाइट को यूज किया है किसके रेस्पेक्ट में, ग्रीन के, तो ऑरेंज के ज्यादा होते हैं वेवलेंथ, इसका मतलब उसका थीटा ज्यादा हो जाएगा। दूसरे केस में देखो, स्क्रीन इज मूव क्लोज टू द स्लिट ना, स्क्रीन इज मूव मतलब कैपिटल डी की बात कर रहे हैं ना, तो कैपिटल डी तो बेटा ये इंडिपेंडेंट है, मूव ही नहीं करती, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इस पे इंडिपेंडेंट होगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरे वाला केस क्या बोल रहा है, तीसरे वाले केस में बोल रहे हैं कि द स्लिट विड्थ इज डिक्रीजेस। आपको ए घटा दिया, इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, तो मैक्सिमम हो जाएगा ये ना, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, टू प्रिज्म एबीसी एंड डीबीसी आर अरेंज एज शोन इन द फिगर। कैसे डायग्राम में गिवन है, ऐसे दिखा रखा है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल फॉर द टू प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 41.1। इसका जो एंगल है क्रिटिकल वाला 41.1 डिग्री सेल्सियस है, इसका है बेटा 45 डिग्री ना। आपको बताना है ट्रेस द पाथ ऑफ द रे थ्रू दिस कॉम्बिनेशन। देखो बेटा, आप एक बात ऑब्जर्व करना, आप यहाँ से देखो, यहाँ सीधी नहीं जा रही है ना, सीधी रे यहाँ टकराएगी, यहाँ पे जो इसका एरिया
जो आप इसका नॉर्मल रहेगा वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये वाला भी कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया आई ना। इस वाले ट्रायंगल के लिए जो आपका प्रिज्म है एबीसी, इसके लिए आई की वैल्यू 45 है और आईसी कितना है हमारे पास क्रिटिकल 41.1 है। तो आप देख रहे हैं आई ज्यादा है आईसी से, इसका मतलब ये रे क्या करेगी, टीआर कर देगी। तो रे बेटा सीधी आ गई यहाँ पे, टकरा गई सीधी। यहाँ आते यहाँ का नॉर्मल क्या रहेगा, ये यहाँ का नॉर्मल है, जितना ये एंगल होगा 60 उतना ये 60 ही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे एंगल है ये भी कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये वाला एंगल भी 60 हो गया यहाँ पे ना। तो इस वाले प्रिज्म के लिए आई कितना हो गया बेटा, 60 हो गया, और आई सी कितना हो गया बच्चे, 45 है। तो यहाँ पे भी आई ज्यादा हो गया आई सी से, तो फिर रे टी आर करेगी, फिर रे बाहर निकल जाएगी सीधी ऐसे, और यहाँ से जो रे निकलेगी वो कितने पे निकलेगी, 90 डिग्री पे निकल जाएगी। तो बेटा ये इसका पाथ हो गया जो मैंने ड्रॉ बना किया है, ठीक है। आप जैसे मैंने बताया इस तरीके से इसको जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। इसका और वाला पार्ट देखो अच्छी क्या लिखा है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ओ इन फ्रंट ऑफ ए ग्लास स्फीयर, ठीक है। इसको देखो ये ग्लास है, इसका अंदर इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग होगा, यहाँ बाहर एयर है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, ठीक है। तो ये डेंसर हो गया आपका बेटा, ये बाहर वाला रेयर हो गया ना। आपको क्या बताना है, शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द स्फीयर, आपको इसकी इमेज बनानी है कि कैसे बनेगी। देखो आपको बताया बेटा, साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि यहाँ आपका रेयर है, यहाँ डेंसर है। जैसे यहाँ से रे टकराएगी, रे यहाँ से सीधी टकरा के मान लो यहाँ चली गई, ठीक है। यहाँ टकराने के बाद क्या होगा, इसका नॉर्मल जो होगा, ये इसका नॉर्मल है, रे क्या करेगी, रे टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाएगी। तो बेटा रे जो है मुड़गी इस तरफ ना, मुड़ के रे यहाँ टकराएगी। अब यहाँ का नॉर्मल क्या होगा बेटा, यहाँ का नॉर्मल ये आपका ये ऐसे रहेगा। अब रेयर टू एयर, अब सॉरी डेंसर टू रेयर जाएगी रे ना, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो रे कैसे हो जाएगी, रे इसके पास ना जाके रे यहाँ से बैंड हो जाएगी हल्की सी और, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ कट करेगी, आई पॉइंट पे ना। तो इसका प्रॉपर डायग्राम हो जाएगा, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, आपके पास लैम्डा गिवन है आपके पास लैम्डा हो गया हमारे पास 600 नैनो, यहाँ नैनोमीटर ही है, ठीक है। द स्लिट सेपरेशन इज 0.8 एंड स्क्रीन इज कैपिटल डी पता है, स्मॉल डी पता है, ठीक है बेटा। आपसे पूछा गया कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ एंड डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट थर्ड मिनिमा, फ्रिंज विड्थ निकालना है। तो बेटा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, बस ये ध्यान रखना कौन सा डी जो है ऊपर आता है कौन सा नीचे आता है। ऊपर कैपिटल डी आता है स्लिट के और फ्रिंज के, स्लिट का और स्क्रीन के बीच का, नीचे आता है बेटा स्लिट्स के बीच का, ठीक है। सारी वैल्यू पुट अप कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 600 नैनोमीटर, 10 की पावर -9 इंटू डी की वैल्यू बेटा पता ही है 1.6 है, डिवाइड में आगे बच्चे 0.8 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो बेटा ये आ जाएगा 1.2 मिलीमीटर में निकालेंगे तो, ठीक है। आगे पूछा है कि थर्ड मिनिमा और फिफ्थ मैक्सिमा फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा ना, थर्ड मिनिमा बताना है। तो देखो मिनिमा के लिए क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा बेटा मिनिमा की कंडीशन होती है n-1 या 2n-1, यहाँ आ जाएगा बेटा लैम्डा डी अपॉन में 2d, ये कंडीशन आपकी मिनिमा की होती है। इसमें वैल्यू पुट अप करो, थर्ड की बात करिए तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो बेटा एन की वैल्यू 3 होती है 3 × 2 -1, यहाँ आ गया लैम्डा डी अपॉन में 2d। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा, देखो लैम्डा पता है, डी पता है, डी पता है, सारी वैल्यू पुट अप करो तो बच्चे ये आंसर आना चाहिए 3 मिलीमीटर, ठीक है। इसे आप चेक कर लेना। सेकंड में क्या पूछा है बेटा, फिफ्थ मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए कंडीशन डायरेक्ट होती है आपका ना कि एन लैम्डा डी बाई डी होता है, ये मैक्सिमम वाली कंडीशन है, ये बेटा मिनिमम वाली कंडीशन है, ठीक है, ध्यान रखना। ये मिनिमम थी और ये क्या है बच्चे, मैक्सिमम, यही निकालना हो तो इन केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो आप सीधा वैल्यू पुट अप कर दो, फिफ्थ पूछा है, फिफ्थ आ गया यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू डाल दो, डी डाल दो, स्मॉल डी डाल दो, सारी वैल्यू कैलकुलेट करके बेटा ये आएगा 6 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिफ्थ 5 मार्क्स वाला लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। अभी आते हैं सेक्शन नंबर ई के ऊपर ना, ये आपकी अब केस बेस स्टडी आ गई आपकी। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हाट इज द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर रेस्पेक्टिवली, बोल रहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो है इमेज कैसी बनती है। नॉर्मल सी बात है, रियल भी बनती है और वर्चुअल बनती है, ठीक है, रियल एंड वर्चुअल बनती है, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्टिंग ऑफ एन आईपीस ऑफ 10x
मतलब कि सॉरी ऑब्जेक्टिव का जो है मैग्निफिकेशन पता है हमें कितना है, 10x है, 10 गुना करता है, आईपीस करता है बेटा 20 गुना, ना ठीक है। तो आपको मैग्निफिकेशन ड्यू टू माइक्रोस्कोप बतानी है, तो आपको बताया बेटा जो माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है, एमओ इंटू एम ई होता है, तो 10 इंटू 20, तो ये कितना हो गया 200 टाइम्स टोटल आपको मैग्निफिकेशन मिलेगी, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, डज द मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द लाइट, यस, ये तो भाई डिपेंड तो करता ही है, क्यों कंपेयर करता है डिपेंड, क्योंकि आपको बताया कि जो मैग्निफिकेशन है वो डिपेंड करती है बेटा फोकल लेंथ के ऊपर, और फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है, कलर के ऊपर डिपेंड करती है, डिफरेंट कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, इसलिए जो है क्योंकि डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है इसलिए क्या रहेगा बेटा मैग्निफिकेशन जो है डिपेंड करती है उसके ऊपर, ठीक है। और वाला पार्ट में देखो, और वाले पार्ट में क्या बोल रहा है ये, द फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर दिस एंड दिस, आपको दोनों की फोकल लेंथ पता है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, इफ द फाइनल इमेज इज फ्रॉम एट इन्फिनिट देन व्हाट वुड बी द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, आपको गिवन क्या क्या है पहले लिख लो, देखो बेटा आपके पास जो है फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की पता है कितनी है 1.2 सेंटीमीटर है, आईपीस की बेटा पता है कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको और क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट की सेपरेशन भी पता है आपको, यू पता है आपके पास ना, जो यू नोट है आपके पास वो है 1.25 सेंटीमीटर ना, ठीक है, ये आपकी माइनस में हो जाएगी। आपको निकालना क्या है, फाइनल इमेज इज फ्रॉम एट इंफिनिटी, सो आपको व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर ना, तो बेटा देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा होगा, तो बेटा ये होता है माइनस का वी नोट यू नोट डी अपॉन एफ सी। अब देखो डी आपको बताइए कितना है 25 सेंटीमीटर, एफ वी आपको गिवन है, यू नोट आपको पता है, वी नोट निकालना है सीधा बेटा, वी नोट निकाल लीजिए 1 अपॉन v - 1 अपॉन u = 1 अपॉन f नोट से, यहाँ से आप कैलकुलेट करो तो बेटा ये आपका आंसर आना चाहिए, जो v की वैल्यू आएगी उसे आप कैलकुलेट करके कितना आएगा 30 सेंटीमीटर आएगा, इसे आप यहाँ पुट अप करो, सारी वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे तो बच्चे मैग्निफिकेशन आएगी कितनी 200, ठीक है, जो कि आपको पता था पहले से ऊपर वाले में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये आगे बेटा लास्ट केस बेस स्टडी है इस सैंपल पेपर की, मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर के बारे में है ये, मतलब सेमीकंडक्टर से केस बेस स्टडी है। देखो बेटा पहला क्वेश्चन लिखा है, सिलिकॉन इज डोप विद विच टाइप ऑफ एटम्स टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, आपको बताया बेटा सिलिकॉन के अंदर जो आपका बेसिकली इंट्रेंसिक है उसके अंदर हम क्या मिला देंगे कि आपको पी टाइप मिल जाएगा, नॉर्मल सी बात है बेटा पी टाइप कब मिलता है, जब आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला देती है ना, तो आपको पी टाइप मिल जाता है, ठीक है। अगले पार्ट में क्या पूछा है, सिलिकॉन सॉरी ये सेमीकंडक्टर हैज एन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस, आपको इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन पता है कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 6×10^22 पर मीटर क्यूब है, और होल्स भी पता है आपके पास 8.5×9 मीटर है, विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म, आपको देखो साफ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसमें ना एज कम्पेयर टू किसके होल्स के ना, सॉरी छोटे, इसका मतलब ये कैसा है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा क्योंकि आप जानते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके नंबर ऑफ होल्स के, ठीक है बच्चे, इसका आंसर क्या रहेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म हो जाएगा। आगे पूछा, व्हाई द करंट इन द रिवर्स बायस कंडीशन इज जनरली वेरी स्मॉल इन पीएन जंक्शन, मतलब क्या होता है रिवर्स बायस में क्या होता है, जैसे आप रिवर्स बायसिंग करते हैं मतलब आप एन को पॉजिटिव से और पी को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका पोटेंशियल बैरियर है वो जो है थिक होना शुरू हो जाता है, उसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी तरह डिप्लीशन लेयर का साइज जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है वहां से क्रॉस कर पाते हैं, आपकी केवल जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट चलता है, इसलिए वो करंट कैसे रहता है, बहुत ही स्मॉल रहता है, ठीक है। और वाला पार्ट क्या है, वाई होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन इन अनबायस पीएन जंक्शन में, फिर क्या होता है जो आपका अनबायस है जिसमें आपने बैटरी नहीं लगा रखी ना, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस जो है वहां पे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पी टाइप के अंदर क्या होता है होल्स ज्यादा होते हैं, इसलिए पी टाइप वाले होल्स जो है वो कहाँ जाते हैं, एन टाइप में चले जाते हैं, ठीक है, इसलिए जो है डिफ्यूज होते हैं क्या होल्स ना, कहाँ से, पी से एन की तरफ ना, ओके। तो बेटा ये था हमारा सैंपल पेपर नंबर 5, ठीक है। तो जिसने बेटा इससे पहले वाले सैंपल पेपर्स नहीं देखे हैं तो उनका जो लिंक है यहाँ डिस्क्रिप्शन में गिवन है वहां से वो निर्वोच कर सकता है। थैंक यू सो मच। तो बेटा आपको अपना टारगेट नहीं भूलना है, कितना है 95 प्लस आपका टारगेट है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।